जी तो ऑन मंडे आई शेयर्ड फोल्डर विद यू गाइस, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी देर से पता चला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मालूम था, तो मैं उसका प्रोसीजर आप लोगों को बता दूं। ऑब्वियसली कुछ उसमें जो ग्लिचेस आए, कुछ परेशानी आई, जो कि बहुत इजी प्रोसीजर है, लेकिन ऑब्वियसली इवन माय टीम मेंबर, वन ऑफ माय टीम मेंबर्स, ही वाज आस्किंग मी द लास्ट नाइट, ही वाज सेइंग कि यार वो तो फोल्डर ही नहीं खुल रहा। तो फोल्डर खोलने का तरीका बड़ा आसान है भाई, आपको एक ईमेल जो रिसीव हुई है उस ईमेल के आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। आप स्क्रीन पे देखते रहे, मैं आपको वो फोल्डर खोल के दिखा रहा हूँ भाई, वो फोल्डर कैसे खुलेगा। तो लेट्स से कि भाई मेरे पास एक ईमेल आएगी और ये ईमेल मेरे पास मौजूद है कि जी सर, खुर्रम हुसैन ने आपके साथ एक ऐसा फोल्डर शेयर किया है, और उस फोल्डर के अंदर क्या मौजूद है वो बाद में नजर आएगा। ये फोल्डर को शेयर करने के लिए मैंने जनाब जी ओपन पे क्लिक कर दिया। मैं ओपन पे चला गया तो आगे मेरे पास विंडो पे वो बोलेगा भाई अपना ईमेल और पासवर्ड शेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली दैट अकाउंट जो जो कि ऑफिस 365 से माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, तो वन ड्राइव का जो है वो प्रोसीजर है कि वो आपसे आपका जो है ये पता करना चाहेगा ऑथेंटिसिटी। मैंने यहाँ से चेक लगाया है कि जिन लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वही ईमेल एड्रेसेस जो हैं या वही ईमेल एड्रेसेस के जो ओनर्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका ओपन एक्सेस या जनरल पब्लिक के पास इसका एक्सेस नहीं है। तो जिस ईमेल एड्रेस को आपने जूम पर रजिस्टर किया है, मैंने वही ईमेल एड्रेस वन ड्राइव पे ऐड किया है या करवाया है, आप ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। मेरा जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर्ड है वो sk@veritas.edu.pk। मैंने जनाब इस ईमेल एड्रेस पे जाके जो है वो आपको टाइप करना होगा, मेरे पास ऑलरेडी टाइप है। यहाँ पे भैया जाके पासवर्ड डाल दीजिए आप अपना, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, आप लोग तो मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा। दैट्स रॉन्ग, रुक जाओ। आप जब पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो पासवर्ड इंसर्ट करने पे भैया आपके पास जो है वो सीन ये है कि फिर नई विंडो खुल जाएगी। अब पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर खुर्रम पासवर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक कोड वो हमसे मांग रहा है, वो कोड हमारे ईमेल एड्रेस पे नहीं है। जिस जिस स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली या बाय ईमेल जो है वो अप्रोच किया, मैंने उसको बताया कि भैया अगर वो कोड आपके पास नहीं है, इनबॉक्स में नहीं है, तो आपके जंक में या स्पैम में होगा। तो वन ऑफ माई टीम मेंबर्स व्हेन ही वाज आस्किंग मी द क्वेश्चन कि यार मुझसे वो बार बार एक कोड मांग रहा है, मेरे पास कोई कोड ही नहीं है और मेरे ईमेल बॉक्स में भी नहीं है। तो मैंने कहा यार अपने स्पैम मेल पे तो देखो जाके, उसने स्पैम मेल पे देखा, उसको 5 डिफरेंट कोड्स आए हुए थे, वो बार बार उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई जब कर रहा था तो कोड कंटिन्यूसली सेंड हो रहा है। तो आप में से जिसको भी अभी तक ये फोल्डर खोलने का मौका नहीं मिला भाई, तो आपको कोड जो है वो आपके ईमेल बॉक्स में मिलेगा। मैं थोड़ी कोड बताऊंगा, मैंने यहाँ से कोई पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, तो वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन प्रोसीजर है। तो यू नीड टू मेंशन द करेक्ट ईमेल एड्रेस, यू नीड टू मेंशन योर ओन पासवर्ड, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनी पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। तो वेरीफाई कि ये जो ईमेल एड्रेस आपने लिखा है क्या इसी ईमेल एड्रेस ये इसके ओनर आप हैं या नहीं है, तो आपके ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स में नहीं है, तो जंक में या स्पैम में होगा। वहां से जाने के बाद भैया आपको इस तरह के दो फोल्डर्स, आप जब भी वन ड्राइव पे आएंगे दो फोल्डर्स मिल जाएंगे। पहला फोल्डर खोलेंगे तो उसमें अल्लाह आपका भला करे आपके पास यहाँ पर सारी पीडीएफ मौजूद है, और जब अभी तक हमारा काम हो चुका है पीडीएफ का, वो सारा का सारा यहाँ पर मेंशन है। और उसके अलावा अगर आप इस वाले लेक्चर ऑडियो एंड वीडियो पे आएंगे तो लास्ट वीक की सारी रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद है, और आज की यानी कि ये वाली रिकॉर्डिंग्स में मंडे को रिकॉर्डिंग्स डालूंगा। मेरे पास भाई फ्राइडे सैटरडे संडे टाइम नहीं होता, तो इंशाल्लाह मंडे को आई विल बी जनरल शेयरिंग दीज रिकॉर्डिंग्स विद यू गाइस, और आपके पास रिकॉर्डिंग्स आती रहेंगी। लेकिन लेट मी जस्ट अश्योर यू गाइस एज वेल कि व्हेन वी आर डन विद दिस वीक, और अभी तो आप लोगों को एक्सेस नहीं मिला, लेकिन मोस्ट लाइकली बाय ईद पे मैं जो है वो वीकली फिर रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, और बाकी पिछले वीक की रिकॉर्डिंग्स में डिलीट कर दिया करूंगा। तो कोशिश करें आपका जो काम उस वीक का पेंडिंग है वो विद इन वीक डेज हो जाया करें, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरनेट के इश्यूज भी हैं, बाकी मामला भी हैं। इवन के मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर ने भी मेरे ऊपर फतवा लगा दिया कि भाई आप 50 MB की स्पीड जो है वो पीछे से बैन हो चुकी है, आप 25 MB का जो है इंटरनेट स्पीड यूज कर सकते हैं। मुझे बड़ी दुख हुई इस बात की, भाई मैं पे कर रहा हूँ लेकिन मुझे आप फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो इंटरनेट के इश्यूज पर पाकिस्तान में कराची में ज्यादा मौजूद है। बहरहाल ये तरीका आपको बता दिया, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने जंक और स्पैम ईमेल पे जब देख लेंगे तो उसके बाद मामला क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको सस्पिशियस लिंक बोल रहा है वो उसकी सिक्योरिटी, आपके पास जो एंटीवायरस या एंटीवायरस चला हुआ उसकी वजह से आप उसको प्रोसीड कर दें। मेरे पास भी वो सस्पिशन का लिंक आया था तो मैंने प्रोसीड किया था, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो ना, आप रिकॉर्डिंग में बाद में देख लीजिएगा। तो ये तो हमारी बात खत्म हो गई, अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। आज का हमारा जो काम होगा वो पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर 8 तक है, वर्कबुक नंबर 2 है, और वर्कबुक 2 के पेज 6 से 8 के अलावा आज हम पेज नंबर 24 पे जो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं उसका रिविजन करेंगे एंड विल मूव ऑन। दो स्टूडेंट्स जो हैव जॉइंड अस रिसेंटली दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप या क्लास कैन में, वो लोग सवाल पूछ सकते हैं, और इस बारे में थोड़ा सा और समझिएगा कि जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है या जिनकी आज पहली क्लास है। तो मैं ये जो चैप्टर पूरा चैप्टर कुरान है ये मैं साल में 2 या 3 बार पढ़ाता हूँ। सो व्हेन आई एम गोना बी डन विद दिस चैप्टर, फिर हम बायोग्राफी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे,
तो मोस्ट लाइकली मैं इसका एक बैकअप प्रोशन स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं आज से अक्टूबर नवंबर के लिए एक बैच ले रहा हूँ जो 2 से 4 महीने के साथ क्लास होती है। तो जैसे ही वो बैच फ्री होता है तो मैं जो है वो उस टाइमिंग पर जो है चैप्टर कुरान की क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग का सीन अलग होता है, उसमें आप जो है लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं और उसमें जो है वो बात अगर नहीं समझ में आ रही है, क्या क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा फिक्सेस का भी इशू आ जाता है, तो मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा कंडक्ट करूंगा। लेकिन एहतियाती तौर पे और रिकॉर्डिंग इसी शेयर करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी क्लास में हैं उनका भी अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी का इशू आने की वजह से क्लास मिस हो जाती है या कोई ना कोई पोर्शन मिस हो जाता है। एनीवेज, होमवर्क के बारे में बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं फिर इसको क्लैरिफाई कर दूं। वर्कबुक के अंदर सिर्फ वो काम होगा जो मैं क्लास में बता रहा हूँ कि लेट्स से मैंने वर्कबुक के पेज नंबर 24 पर आपसे उस दिन गुफ्तगू करते हुए ये काम लिखवाया, बस इस पेज पर कोई काम नहीं हो सकता। वर्कबुक इज माई लेक्चर्स, वर्कबुक में मैं जो बताऊंगा वही लिखा जाएगा। आपने कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है वो आपकी पर्सनल वर्कबुक या पर्सनल आपकी नोटबुक या एक्स्ट्रा पेजेस होंगे। लेकिन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू योर होमवर्क, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया माशाल्लाह से, मैंने कुछ सवालों के जवाब भी पढ़े और मैं कमेंट करना चाह रहा था, बच्चों ने मुझे स्कैन कर करके अपने आंसर्स भी भेजे, सो आई वांटेड टू कमेंट ऑन देम। लेकिन फिर वो जैसी बात है सवाल इतने सारे थे, मैंने सोचा एक ओवरऑल उसका परसेप्शन दे दूँ। वो ये कि एक स्टूडेंट, एक फीमेल, दो तीन फीमेल स्टूडेंट्स के एक मंडे को ही मैसेज आ गया था, स्कैन जो डॉक्यूमेंट आया था एक आज भी आया, तो आपके आंसर्स बहुत अमेजिंग लगे, बहुत खुशी हुई, पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन उसमें दो चार जो लैकिंग चीज़ें, तफसीर का क्वेश्चन था या नासिक मसूख था, तो लैकिंग बेसिकली ये आ रही थी कि स्टूडेंट ने बगैर आंसर नोट से पढ़े जब अटेम्प्ट किया तो स्टूडेंट कभी वर्सेस को लिंक नहीं कर पाया। आपने ये तो लिख दिया ये वाली वर्स नासिक है, वाली वर्स मनसूख है, कभी स्टूडेंट नासिक और मनसूख वर्स सीखने के बाद जो है जब एग्जाम्पल नंबर 2 पे जा रहा है तो ये नहीं लिख रहा अनदर एग्जाम्पल ऑफ नासिक मनसूख इज दिस एंड दी अदर एग्जाम्पल इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इन द पीरियड, और फिर उसको लेकर आए, डायरेक्ट नहीं आए दिखते थे। तो मैंने ये देखा कि आंसर्स जो है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बहुत अच्छे थे और जिस जिसने अपने आंसर्स भेजे हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग थे, लेकिन लैकिंग्स होने की वजह बस एक ही थी कि स्टूडेंट ने एक्चुअली उसका आंसर एक बार रीड नहीं किया हुआ। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू गाइस द अदर डे कि यार एक काम करो कि आप जो है वो एक बार क्वेश्चन और एक बार आंसर पढ़ लो। सुभान वॉज वेरी लेट, सुभान नाम मुझे याद रह गया, उस बच्चे का मैसेज आया and then he posed a question ki sir am I supposed to mention the types of nasakh as well, nasakh ul tilawa, nasakh ul hukm, nasakh ul hukm ul tilawa. To subhan texted me on Thursday, to uska matlab ye hoga subhan ne notes ka wait karke notes se padh ke phir usne koi answer attempt kiya hai, to maine uske answer to nahi padhe, lekin is puri surat-e-haal mein subhan jo hain wo basically wo smarter activity mein you count hue ki unhone pehle answer padh liya aur answer padhne ke baad dekha ki is way ka answer likhna hai, phir jab unhone likha to wo connection wo sari cheeze miss nahi ho rahi thi। सो प्लीज अब हम फ्राइडे सैटरडे संडे की 3 क्लासेस देने के बाद जब आपको होमवर्क दोबारा देंगे तो होमवर्क में क्राइटेरिया वही रहेगा दैट यू हैव टू हैव दिस सेट ऑफ नोट्स विद यू, और नोट्स में से आप वो टॉपिक की एक बार रीडिंग कर लेंगे, सवाल भी इसमें लिखा हुआ है। फिर भी कॉन्शियसली बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई असाइन की होमवर्क, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क असाइन भी कर दिया था। होमवर्क वही होगा जो मैं टॉपिक बता दूंगा, टॉपिक के क्वेश्चन वर्कबुक में भी लिखे हुए, वर्कबुक के एंड में भी लिखे हुए, नोट्स में भी लिखे हुए, तो आपने इधर से वो सवाल का वो पैराग्राफिंग देखी और आपने वो पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ा, नोट्स रखे और फिर अपनी नोटबुक में होमवर्क किया। जब बच्चा कोई नोट्स परचेज कर रहा है तो नोट्स के अंदर नोटबुक्स भी दी जा रही है उसको, पेपर 1 की सेपरेट है, पेपर 2 की सेपरेट है। दीज डेज वी आर डिस्कसिंग पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑब्वियसली पेपर 1 की नोटबुक में होमवर्क होगा। तो ये कंफ्यूजन पहली बार की थी, उम्मीद है कि सॉर्ट हो गई होंगी और आगे सवाल होंगे तो मैं जवाब देता रहूंगा। तो क्लास से पहले जनरली सबसे एक बार एड्रेस करने चीजें तो जो कंफ्यूज है उसको जवाब मिल गया। जैसे एक बच्चा अभी तक ये पूछा कि होमवर्क कौन सा, तो इट मींस कि आप या तो लास्ट वीक मौजूद नहीं थे या डिस्कनेक्ट हो गए थे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे फोकस नहीं है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा होमवर्क लिख के दे दिया था, क्लास में संडे को बताया भी था। तो अब हम रेवलेशन का टॉपिक आज स्टार्ट कर चुके थे, आज हम उसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह ने वक्त की बरकत दी। तो tomorrow we will be starting inshallah compilation of holy quran and the day after tomorrow we'll be beginning the one of the most important jo hai wo areas of our syllabus paper 1 paper 2 both dono ke hawale se, that is sources of islamic law, jisme inshallah we'll be done with sources for the primary sources of islamic legal thinking. So iska matlab ye hua on monday you guys will be having the homework of 3 different topics jo ki coming monday aa raha hai. Number 1 revelation, the topic we are going to cover today. Number 2 compilation, Number 3 primary sources of islamic legal thinking. अब फिर मैं संडे के एंडिंग पोर्शन में बेटा आपको लास्टली सबमिट करता समझा दूंगा बेटा ऐसा करना है। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि कुछ इंडिविजुअल्स ये कर रहे हैं कि वो अपना होमवर्क स्कैन करके मुझे भेजे, मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें कमेंट कर लेता हूँ, दैट्स अ वे ऑफ सबमिशन। सबमिशन तब करें जब आपको लगे कि यार मुझे लग रहा है कि अभी आंसर स्टैंडर्ड पे नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू हैव अ कमेंट ऑफ सर खुरम हु इज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ सामिया, जिनके बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तारीख के अलावा 3 स्टूडेंट्स रिसेंटली स्कोर कर चुके हैं, तो सर खुरम का कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अपना द बेस्ट पार्ट ए आंसर, दी बेस्ट पार्ट दी आंसर मुझे स्कैन करके भेज दें, मैं उसको पढ़ के, क्योंकि व्हाट्सएप पे होगा तो फिर मैं आप ही को वहीं पर जवाब दे दूंगा। यहाँ पर तो मैं बच्चे का अगर वन ड्राइव पे फाइल निकालू, वो बच्चे को कहाँ ढूंढू, उसका नंबर कहाँ से ढूंढू, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप मुझे जो है प्राइवेट मैसेज जब करेंगे उसका आपका स्कैन, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये शेयर कर चुके हैं, लेकिन हर होमवर्क शेयर आप करेंगे तो फिर मेरी तरफ से आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि शायद मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ऑब्वियसली मेरी बहुत सारी मसरूफियात हैं, मैं अपना स्कूल भी देख रहा हूँ, मैं अपने जो है वो मामला दूसरे भी हैं, फैमिली है, पढ़ाना है, अपने रिसोर्स तैयार करने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पूरी सूरत में बच्चा आप कुछ होमवर्क्स कर लें, मेरे हिसाब से लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज रेवलेशन फ्रॉम 610 टू 632 AD, क्योंकि इसमें ना टेक्निकलिटीज के अलावा टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसका पार्ट ए और कंपाइलेशन ऑफ कुरान का पार्ट बी, अगर आपको लगता है दिस इज द बेस्ट वर्जन यू कैन प्रोड्यूस, तो फिर आपने मुझे वो स्कैन करके भेज देना है, फिर मैं ईद हॉलीडेज भी आ रही हूँ आगे, तो उसमें आराम से बैठ के कॉमेंट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे आपको जरूर बताना है कि बेटे इस आंसर को लिखने में ये मसाइल है। जैसे एक स्टूडेंट का जिसका सबसे पहला आंसर आया था, उसका तफसीर का, उसका नासिर मौसम, इतना अमेजिंग उस बच्चे ने आंसर लिखा हुआ था, लेकिन उस बच्चे मतलब शी वाज फीमेल स्टूडेंट, उसके आंसर में बस थोड़ा सा एक मसला था कि वो आयतों को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो आयतों को कनेक्ट अगर कर लें तो उसकी वजह बस ये थी कि वो एक बार रीडिंग कर लें नोट से और उसके बाद वो अपने आंसर को लिखें। तो हम होमवर्क पे वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे, हमारे पास 90 मिनट्स बाकी हैं, पहले हम लोग जरा टॉपिक पे कुछ चर्चा कर लें, फिर सवाल इंशाल्लाह बीच में जवाब देते रहेंगे। तो हमने उस दिन एक क्वेश्चन लिखा था पेज नंबर 8 पर अपने नोट्स के, वर्कबुक के पेज नंबर 24 पर, मैं इसमें मेरा बच्चा मौजूद हूँ, वर्कबुक नंबर 2 ही चल रही है हमारी आजकल। तो ये भी सवाल बहुत लंबे लंबे आ गए बेटा अब्दुल अहद, मैं थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, जस्ट मैं पकड़ ही लेता हूँ तुम्हारा सवाल यार। जी अब्दुल अहद, जो नसखुल हुक्म, नसखुल तिलावा और नसखुल तिलावा और हुक्म है, वो टाइप्स अगर आपने रीडिंग करके आपको समझ आएंगे दैट्स फाइन, नहीं समझ आएंगे दैट इज आल्सो फाइन, क्योंकि दोस टाइप्स आर नॉट मैंडेटरी टू मेंशन इन द आंसर ऑफ द नसखुल मंसूख वर्सेस। लेकिन अगर वैसे समझना है तो मैं बता देता हूँ, नसखुल हुक्म जिसमें ऑर्डर कैंसिल हुआ पर ऑर्डर कैंसिल होने के साथ उसकी रेसिटेशन कैंसिल नहीं हुई, वो आयत कुरान में मौजूद है, जैसे कि 2:219 जिसमें शराब के ऑप्शनल होने की बात है, तो उसकी ऑर्डर कैंसिल हुआ, रेसिटेशन कैंसिल नहीं हुई, तो वो आयत कुरान में मौजूद है, इसको बोलते हैं नसखुल हुक्म। एक होती है नसखुल तिलावा, नसखुल तिलावा वो वर्स होती है जो कुरान में थी, अल्लाह ने उसकी रेसिटेशन कैंसिल कर दी, रेसिटेशन कैंसिल हुई तो वो आयत कुरान से निकाल दी गई, अल्लाह पाक ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, एक बार दुरूद पढ़ लो बेटा, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत को जो है वो कुरान से निकाल दिया। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड नसखुल तिलावा शराब के ऑप्शनल होने का हुक्म है, तो ऑर्डर कैंसिल है पर तिलावत कंटिन्यूड है। नसखुल तिलावा इट्स रेसिटेशन हैज बीन कैंसल्ड, इट मींस दैट इट वाज टेकन आउट ऑफ कुरान, लेकिन व्हेन द रेसिटेशन वाज कैंसल्ड इट्स ऑर्डर वाज नॉट कैंसल्ड, and the order was established by the ahadees in the sunnah of Hazrat Muhammad peace upon him, for example the punishment of the adulterer and the adulteress. So adulterer or adulteress ki saza jo sansar jise stoning till death bolte hain wo pehle quran mein thi, lekin allah pak ne uski recitation jab cancel ki to wo ayat quran se nikal gayi, par order nahi nikla, order quran se nikal gaya lekin establish ho gaya hadith se, aur wo order mein aage jo hai wo aapko jo hai wo kal ki Sunday class mein aur tafseel se order padhaunga, क्योंकि मेल और फीमेल एडल्ट्रेस और एडल्टर के बारे में कुरान हदीस क्या बोलते हैं उस पर बात होगी। तो इसका मतलब ये होगा इसकी तिलावत कैंसिल हुई पर इसका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, वो ऑर्डर कुरान से तो निकल गया पर वो ऑर्डर स्टैब्लिश हो गया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। लेकिन तीसरी कैटेगरी है नसखुल तिलावा वल हुक्म, इट्स रेसिटेशन हैज बीन कैंसिल्ड, रेसिटेशन कैंसिल्ड हुई लेकिन नसखुल तिलावा वल हुक्म इट्स ऑर्डर वाज आल्सो कैंसिल्ड, रेसिटेशन ऑर्डर दोनों कैंसिल हो गए, मतलब ये कुरान से निकाल दी गई, रेसिटेशन भी खत्म कर दी गई और इसके ऑर्डर भी खत्म कर दी गए, ऑर्डर इसकी कभी भी हदीस से एस्टैब्लिश नहीं हुआ। इसकी फेमस एग्जांपल हमारे पास है सूरह अहज़ाब, कुरान की द लॉन्गेस्ट सूरह राइट नाउ इज सूरह बकरा, लेकिन सूरह बकरा अभी जो लॉन्गेस्ट सूरह है इससे भी लंबी सूरह सूरह अहज़ाब थी, सूरह अहज़ाब लॉन्गेस्ट सूरह थी लेकिन अल्लाह को उस दौर में जब जिहाद के मामला हो रहे थे उसमें बहुत सारी एग्जेंप्शंस और बहुत सारी एक्सक्लूजंस या बहुत सारी चीजें परमिसिबल थी, अल्लाह ने फिर बाद में जब इस काम का दौर आगे बढ़ता रहा तो अल्लाह ने उससे आयतें हुक्म तिलावत सब निकाल दिया, तो सूरह अहज़ाब इतनी छोटी सी रह गई। तो अगर आपसे कोई पूछे
नसकुल तिलावा की एग्जाम, नसकुल हुकुम की एग्जाम्पल दो, तो बोलोगे ओके इट मीन्स के ऑर्डर कैंसिल है लेकिन रेसिटेशन कैंसिल नहीं है। उसकी एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 219, वाइन इज ऑप्शनल, ये रिसाइट होती है, ऑर्डर फॉलो नहीं होता। कोई ऐसे पूछे अच्छा एक बात बताओ नसकुल तिलावत की कोई एग्जाम्पल दो, बोलो इट मीन्स के रेसिटेशन वॉज कैंसल्ड, the verse was taken out from Quran in the time of Hazrat Muhammad peace be upon him, lekin its order was re-established or its order was established through the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iski example hai punishment of married adulterer and adulteress. ko kuch acha ek baat batao wo aaye jo kisi ko milti nahi hai, wo to bilkul hi ghaib khatam kar di gayi, nasakhul tilawa wal hukm, to aap kahenge okay it means ke iski recitation bhi cancel ho gayi, iska order bhi cancel ho gaya aur ye puri ki puri Quran se bahar nikal gayi, aur na Quran mein na iska order hadith mein balki isko khatam kar diya gaya sire se. इसकी कोई मिसाल, मिसाल है सूरह अहज़ाब, बहुत सा लॉन्गेस्ट सूरह बिफोर इट्स मेजर, मोर देन 70% पार्ट ऑफ द सूरह अहज़ाब वाज टेकन आउट, इट वाज एब्रोगेटेड, रेजिस्ट्रेशन ऑर्डर सब खत्म हो गया। तो वो एग्जांपल सूरह अहज़ाब की जब हम देंगे जो कि करंटली तो कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको खत्म करवा दिया, तो सूरह अहज़ाब की एग्जाम्पल आती है नसखुल तिलावा हुक्म में। तो एक टाइप में ऑर्डर कैंसिल हुआ, रेजिस्ट्रेशन कंटिन्यूड है जिसमें सूरह, जो कि मैंने इसकी दो एग्जाम्पल आपको शराबर इद्दा वाली पढ़ाई है, एक टाइप जिसमें रेसिटेशन कैंसिल हुई पर ऑर्डर हदीस में एस्टैब्लिश है जो कि मैं संडे को भी पढ़ाऊंगा, पनिशमेंट ऑफ मैरिड अडल्टरर एंड अडल्टरस। एक टाइप जिसकी तिलावत ऑर्डर दोनों खत्म हो गया, उसकी एग्जाम्पल सूरह अहज़ाब है जो कि यूज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अब्दुल अहद मेरे प्यारे भाई ने सवाल पूछ लिया था तो मैंने उसकी डिटेल सबके साथ शेयर करनी है, अब्दुल अहद की बरकत से सबको पता चल गया। लेकिन आई डिड नॉट डिस्कस दीस थ्री टाइप्स इन द लेक्चर ऑफ नासिक अल मंसूर बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन, लेकिन मैं जान के इसको इसलिए भी छोड़ता हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू सी वेदर स्टूडेंट्स आर रीडिंग द नोट्स और नॉट। अब अब्दुल अहद ने ये ना पढ़ा होता या सुभान ने कल रात को नहीं पढ़ा होता तो सुभान और अब्दुल अहद ये सवाल पूछते ही नहीं। अब मुझे पता है कि अब्दुल अहद ने नोट्स पढ़ लिए हुए हैं, सुभान ने नोट्स पढ़ लिए हैं, इसीलिए सवाल आया है, वरना ये सवाल कोई कर ही नहीं सकता जब तक कि वो नोट्स ना पढ़े। तो ये भी टास्क है, टीचिंग स्किल्स हैं या टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं कि बच्चे को थोड़ा सा पोर्शन गायब करके देखो, देखो बच्चा पूछता भी है या गायब ही रहता है, वो जो गायब है वो गायब है, जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। बारह अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल बेटा थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा, हम इस तरफ आ जाते हैं। सो आई टोल्ड यू द अदर डे संडे व्हेन वी वर आवर सेशन वाज गेटिंग एंडेड, सो आई टोल्ड यू कि बेटा एग्जामिनर साहब जो है वो कुछ सवालात में जो है हमारे पास लाजमी ईयर्स को स्पेसिफाई मेंशन करते हैं। ईयर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू गाइस कि बेटा तीन ईयर्स ड्यूरेशन ऐसे हैं कि अगर वो याद हो जाए तो स्टूडेंट कभी किसी पास पेपर में स्टक नहीं होगा। तो तीन ड्यूरेशन के मैं सवाल आपको सुनाता हूँ दोबारा। Outline the difficulties encountered by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers between 610 and 622 AD. अभी 610 से 622 AD क्या है? तो हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था भाई 610 AD का तो मतलब है the first revelation on Prophet and the grant of prophethood. और 622 AD वो ईयर है which is the year of Hazrat Muhammad peace on his migration. लेकिन 610 से 622 AD का जो duration कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life in Makkah. और लाइफ इन मक्का का मतलब यह है कि ही स्पेंड दिस दी 13 इयर्स इन मक्का एज द रसूल ऑफ अल्लाह, एज द अपोस्टल और द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर एक सवाल हमारे सिलेबस में और भी मौजूद है, आउटलाइन प्रॉफिट्स रिलेशन विद ज्यूज बिटवीन 622 एंड 632 AD. तो 22 तो माइग्रेशन टू मदीना का ईयर था, 32 AD इज द ईयर ऑफ द डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 22 से 32 AD में जब भी सवाल आता है जो कि पास में उसमें कई बार सवाल इसका मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि एग्जामिनर इज आस्किंग यू अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स लाइफ इन मदीना। तो इतने सारे इयर्स में से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ये दो ड्यूरेशन याद रख लेता है तो उसका मक्की लाइफ का कोई पास पेपर नहीं फंसेगा। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द टाइम 610 टू 622 AD इज प्रॉफिट्स लाइफ इन मक्का व्हेन ही बिकेम द रसूल ऑफ अल्लाह। 622 टू 632 AD आर द लास्ट 10 इयर्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ, आर द लास्ट 10 इयर्स ऑफ रेवलेशन, are the last 10 years of Hazrat Muhammad peace upon him's prophethood. तो ये 10 साल कहलाते हैं लाइफ इन मदीना। फिर एक सवाल मैंने और पढ़ के सुनाया था, give examples from the life of the rightly guided caliphs that show their relations with other states between 632 to 661 AD. तो 632 से 661 का कभी सवाल आया तो ये duration याद हो तो paper 2 में भी सारे years में कभी नहीं आप फंसोगे। ये duration कहलाता है ruling period of the rightly guided caliphs. मैं small form लिख देता हूँ, rightly guided caliphs. तो RGC कहते हैं इसको। तो caliphs का जो दौर था अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान, हज़रत अली, रिज़वानुल्लाह और अजमाइन, तो ये उनके दौर की बात हो रही है। तो कभी 622 से 661 आ जाए तो 622 माइग्रेशन का ईयर है, 661 जो है वो ईयर है हजरत अली की शहादत का। कभी बोल दे 632 से 661 लिख दो तो 632 AD प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इंतकाल है।
और 661 हजरत अली की शहादत है, तो उन दोनों के बीच में ही जो है वो कभी सवाल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स को ये तीन ड्यूरेशन याद रखना जरूरी है, 10 से 22, 22 से 32 और 32 से 61। ये हो गए हमारी तीन ड्यूरेशन की बात। अब हम वापस आते हैं अपने पेज नंबर 8 पे। अगर आप लोग भी पेज 24 पर हैं तो मेरा बच्चा पेज 8 पर आ जाइए प्लीज। नहीं पेज 8 नहीं, पेज नंबर 6 पे आ गए, सॉरी पेज नंबर 6। और जो लोग नहीं थे वो ये सवाल जल्दी से कॉपी कर लें क्योंकि मैं इसी आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जी अबीर, ये ईयर्स हमें याद रखने हैं, अगर वो सारे ईयर्स नहीं याद हो रहे तो वो तीन ड्यूरेशन याद करें। आरजीसी का मतलब हसन बेटा राइटली गाइडेड कैलिफ्स। अच्छा जी, वो कहने जी डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज रिवील्ड ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन 610 एंड 632 एडी। ये जो आ रहा है वो कह रहे हैं जी 610 एडी से 632 एडी तक की बात होगी। तो पहली बात तो क्लियर होगी ना भाई, यहाँ पर जो है वो 23 इयर्स ऑफ प्रॉफेटहुड की, 23 इयर्स ऑफ जो है वो अपोस्टलशिप की, या 23 इयर्स ऑफ रेवलेशन की बात हो रही है। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, हमें ना ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए सॉर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात ना बार बार सिलेबस में आएगी और स्टूडेंट जो है वो अजीब सी जो है वो कंफ्यूजन में बैठ जाता है। सिंपल मैथमेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, 610 से लेके 632 एडी, ठीक है 610 से लेके 632 एडी, जल्दी से टाइप करके जवाब बताओ कितने ईयर्स बने। ठीक है ठीक है, मुझे पता दो ही जवाब आएंगे और दो ही जवाब आ रहे हैं, वेरी वेरी गुड। ठीक है एक बच्चे नहीं, कौन है बच्चा, ये काबिल बच्चा कौन है, अली रजा बहुत तेज जा रहे हो भाई तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, मोर देन 60% ऑडियंस को जो मैं देख सका उनका जवाब था 22 इयर्स और रिमेनिंग ऑडियंस का जवाब 23 इयर्स है। कुछ लोगों ने 12 साल लिखा है, वो मेरे ख्याल से सही मैथ्स ही कर सके। रुक जाइए और बात को समझ लीजिए। इफ समबडी सेइंग दैट के ये बनते हैं 22 इयर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाउएवर अगर कोई ये कह रहा है कि सर खुर्रम ये 23 इयर्स बनते हैं, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। उसकी वजह यह है कि अगर आप एनो डोमिनी जिसे आप बोलते हैं, जो कि आपका एडी कैलेंडर है, अगर आप उसके हिसाब से देखते हैं मेरा बच्चा, तो ये 22 इयर्स ही बनते हैं। तो वी डू हैव टू काइंड्स ऑफ कैलेंडर्स, नंबर वन ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड नंबर टू जो है हमारे पास जो है वो ल्यूनर कैलेंडर है। अच्छा ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है सर? ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब ये होगा दिस इज द कैलेंडर जो कि सूरज के हिसाब से चलता है, जिसके मंथ्स हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 डेज, और अगर लीप ईयर आ जाता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होता है, जिसमें फरवरी का महीना 29th होता है, उसमें एक दिन और ऐड हो जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 610 से 632 एडी जो बनते हैं वो बनते हैं 22 इयर्स। ये परफेक्ट आंसर था ग्रेगोरियन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अल्लाह का भला करे एक और कैलेंडर के, जो कि इस्लामिक कैलेंडर है, जो कि हजरत अली हजरत उमर के जो है मशवरे के बाद मुसलमानों का एक कैलेंडर डिसाइड हुआ था हजरत उमर के रूलिंग पीरियड में, जो कि सिलेबस का हिस्सा है, कैलिफेट में हमने डिस्कस करना है। ल्यूनर, अच्छा मैं पहले यहाँ लिख दूं वरना तुम भूल जाओगे मेरा बच्चा। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके हिसाब से वो डिजाइन हुआ है भाई? सूरज के हिसाब से, और जिसको आप जो है वो शमसी कैलेंडर कह सकते हैं। और ल्यूनर कैलेंडर भैया किसके हिसाब से चलता है? चांद के हिसाब से चलता है, जिसको आप कमरी कैलेंडर भी बोल सकते हैं। ल्यूनर कैलेंडर जो है वो कैलेंडर अल्लाह का भला करे उसमें महीनों के नाम हैं, मुहर्रम रजब शाबान रमजान अफजल ज़िलकद चला गया, ज़िलहज आ गया है, ज़िलहज जाएगा फिर मुहर्रम आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास महीने हैं ये ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, और ल्यूनर कैलेंडर जो है उसके डेज कम है। ल्यूनर, वालेकुम सलाम बेटा फातिमा, ल्यूनर कैलेंडर में हमारे पास जो है वो 365 डेज नहीं होते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर में मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 8 to 10 डेज का फर्क आता है। पहली बात तो ये कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी का महीना 31 डेज का है, मार्च का महीना 31 डेज का है। ल्यूनर कैलेंडर जो चांद के हिसाब से चलता है उसके मैक्सिमम डेज या तो 29 होते हैं या 30 होते हैं। अभी ज़िलहज का चांद जो है वो जो होना था ये तो 30 का चांद हुआ ना, 29 का नहीं हुआ। तो कभी चांद 29, और जब ईद जब शवाल हुआ था शवाल का चांद 29 का हुआ था। ल्यूनर कैलेंडर में डेज कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी टाइप मत करो वरना कंफ्यूज हो गए, मैं पूरे साल की एक बड़ी कंफ्यूजन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जानने वाली एक बार जो है इस कंफ्यूजन को हम सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। तो जब ल्यूनर कैलेंडर की बात होगी उसमें 31 डेज का कोई महीना नहीं होता,
ल्यूनर कैलेंडर में कभी कभार चांद 29 का भी हो जाया करता है, तो ल्यूनर कैलेंडर में डेज कम है ग्रेगोरियन से, वो सेट डेज वाला 365 डेज वाला कैलेंडर है, ये जो है वो चांद की डेट्स चेंज होती रहती है उसके हिसाब से। तो अब ल्यूनर कैलेंडर को मैं एक मॉडेस्टी के साथ यहाँ लिख देता हूँ 355 प्लस डेज, लेकिन इसके 10 दिन का यूजुअल गैप होता है ग्रेगोरियन से। तो अगर तुम ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से बात करोगे तो मेरा बच्चा ये बनेंगे 23 ईयर्स ऑफ रेवलेशन, इसको ही हम बोलेंगे 23 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात समझना, फॉर एग्जाम्पल ये जो है अदीन खान जो है उनकी जो है वो 32nd बर्थडे है, ठीक है ना, तो 32nd बर्थडे का ये केक जो है काट रही है। अब अदीन लड़का है लड़की है ये दोनों का नाम होता है, तो मैं काम करता हूँ मैं हसन का नाम लेता हूँ। हसन जो है वो 32nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और हसन जब 32nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो हसन की डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 3rd जनवरी के हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले मेरे हसन भाई जो हैं वो 32 बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट किससे करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, क्योंकि जनवरी और जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का मंथ है। लेकिन अगर जो है मैं बात करूंगा अल्लाह का भला करे ल्यूनर के हिसाब से, तो 32 ईयर्स ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इक्वल्स टू 33 ईयर्स ऑफ ल्यूनर कैलेंडर, 32 ईयर्स ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इक्वल्स टू 33 ईयर्स ऑफ ल्यूनर कैलेंडर। तो जिस दिन हसन अपना 32nd बर्थडे का केक काट रहा होगा उस दिन हसन की एज ग्रेगोरियन के हिसाब से 32 होगी, लेकिन ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से इनकी एज होगी 33। जैसे कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम की बात करते हैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग्रेगोरियन की उनकी जो भी डेट है, ल्यूनर के हिसाब से प्रॉफिट जो है वो 9 रबीउल को या कुछ लोग कहते हैं 12 रबीउल को पैदा हुआ है। हसन की मिसाल ले लो, हसन जो है वो 15 शाबान को पैदा हुआ। अब अगर ये 15 शाबान के हिसाब से 32 साल गुजारेगा तो वो 33 ईयर्स हो जाएंगे, और अगर ये बर्थडे उसके हिसाब से देखिए उसकी बर्थडे हर साल 10 दिन पहले आया करेगी। तो यहाँ पर जो है ये सिलसिला ग्रेगोरियन और ल्यूनर का डिफरेंस है, इसके हम फर्दर दोबारा दोबारा बार बार बात करते रहेंगे, लेकिन अभी सिंपल जवाब ये है, अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखूँ तो 22 साल बनते हैं नबूवत के, अगर मैं ल्यूनर कैलेंडर से देखूँ तो नबूवत के कितने साल बनते हैं, 23 साल बनते हैं। अगर आपसे कभी पूछे हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रेवलेशन वर थे तो आप बोलोगे देयर वर 23 ईयर्स ऑफ रेवलेशन, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं इस्लाम की और इस्लामिक कैलेंडर की तो इस्लामिक कैलेंडर जो फॉलो होता है, जो डेट्स फॉलो होती हैं, वो होती हैं ल्यूनर कैलेंडर से फॉलो। तो व्हेनेवर समबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 610 टू 632 एडी, ये कितने हाउ मेनी ईयर्स आते हैं, तो आप बोलोगे ग्रेगोरियन के हिसाब से 22, लेकिन ये हम 23 बोलेंगे। तो जब भी कोई पूछे नबूवत के कितने साल है, बोलना 23 साल है, रेवलेशन के कितने साल है, बोलना 23 साल है, क्योंकि भाई क्या हो गया 10 में शुरू हो गया 32 में खत्म हुआ, यार ये तो 22 साल बने, आप बोलेंगे जी 22 साल बने, लेकिन ल्यूनर कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर जिसको आप आफ्टर हिजरी कैलेंडर भी बोलते हैं उसके हिसाब से 23 साल है, तो ये 23 ईयर्स की बात हो रही है। अब ये बात जो है वो मैं दोबारा बीच में कई बार और रिपीट करूंगा, अगर अभी भी कंफ्यूजन थोड़ी सी रह गई तो कोई बात नहीं, मैंने कैलेंडर जब पूरा पढ़ाना है हजरत उमर के दौर में तो उसमें इंशाल्लाह जो ये बात और फर्दर क्लैरिफाई होगी। बस ये याद रहे कि ल्यूनर कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर से डे कम होते हैं, तो ल्यूनर कैलेंडर का जो है जवाब जो है वो भी सही है ग्रेगोरियन का भी। अब कैलेंडर के हिसाब से अब मैं आपसे पूछूं बेटा एक बात बताओ व्हाट हाउ मेनी इयर्स आर बिटवीन 610 टू 632 एडी, तो आपका जवाब 22 इयर्स भी ठीक है 23 इयर्स भी ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कितनी ईयर्स बने, तो फिर जवाब एक ही होगा, वो जवाब होगा 23 ईयर्स। अब मैं यूजुअली जब भी क्लास में पूछूं बेटा बताओ नबूवत के कितने साल हैं, आप बोलोगे 23। बेटा बताओ रेवलेशंस के कितने ईयर्स हैं, आप बोलोगे 23। मैं पूछूंगा अच्छा एक बात बताओ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग के करियर के और प्रीचिंग के कितने ईयर्स हैं, आप बोलोगे 23। क्योंकि हम जब इस्लाम की बात करेंगे, इस्लामियात की बात करेंगे, तो हम इस्लामिक कैलेंडर वाले जवाब देंगे और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये 23 बनता है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बिकॉज दिस इज द रेलेवेंट टॉपिक फॉर टुडे एज वेल। When Prophet Muhammad, जल्दी से जवाब देना, when Prophet was meditating in Kafira and their Prophet received the very first revelation, Prophet ने जो very first revelation received की, तब Prophet Muhammad सल्लम की age क्या थी? Perfect answer, very good. Prophet was 40 years old और majority students का यही जवाब है। अब सुनना, कभी तुम Prophet की अगर accurate age lunar के हिसाब से निकालोगे तो उसको Prophet की age थी 39 years and few months। तो हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉज अराउंड 40। अगर तुम 40 बोलोगे तो सही है ग्रेगोरियन के हिसाब से, अगर तुम बोलोगे ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से तो अराउंड 40 बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट को ल्यूनर के हिसाब से 40 के थे, ग्रेगोरियन के हिसाब सॉरी
लियोनेल के हिसाब से हजरत मोहम्मद सलम 40 के थे, ग्रेगोरियन के हिसाब से 40 के नहीं थे। सो आपका आंसर 40 करेक्ट लियोनेल पे होगा। ग्रेगोरियन पे प्रॉफिट मोहम्मद सलम की एज अभी 40 नहीं है, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सलम अभी चंद महीने 40 होने में बाकी थे। तो 40 ईयर्स बोलने की इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक बात है, तो बेहतर आंसर इसका 40 होगा। एनीवेज, तो हम लियोनेल कैलेंडर के हिसाब से डेट्स फॉलो करेंगे तो 10 से 32 एडी 23 साल बनते हैं। कोई बोले कि कैलकुलेशन में मैथ्स में गलती करो, बोले मैथ्स में गलती नहीं कर रहा हूं मैं, गलती यहां पर जब आपको जवाब दे रहा हूं लियोनेल कैलेंडर के हिसाब से दे रहा हूं। अब वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज रिवील्ड ऑन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, तो उसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपको लिखना होगा मेथड्स ऑफ रेवलेशन। अभी बिल्कुल कुछ टाइपिंग मत करना है, मैं बहुत मुश्किल पैटर्न की बातें कर रहा हूँ। हाउ कुरान वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, ये पूछा है कुरान के रेवलेशन के प्रॉफिट के ऊपर जो मैथड्स थे, जो सूरह शूरा की वर्स नंबर 51 में लिखे हैं, वो सारे मैथड्स बताओ। ये बहुत मुश्किल डिस्कशन है बाय द वे। और कह रहे हैं कि फिर आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो रेवलेशन रिसीव हुई है मेथड्स आप बताएंगे, हाउ दे वर रिवील्ड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन 610 टू 632 एडी। तो 610 से 632 एडी में हुजूर पे जो आयतें नाजिल हुई वो 23 इयर्स का आप लिखोगे प्रोसीजर ऑफ रेवलेशंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब उसने सवाल ये पूछा तो इंट्रोडक्शन तो हम 2 या 3 लाइन का लिख देंगे, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। Introduction is a very good way of writing or starting your answer. If you are not writing the introduction, that's absolutely fine. Lekin kyunki pooch raha how Quran was revealed on prophet, to mera bachcha isme aapko matters of revelation last me likhne padenge. Phir pooch raha hai ki between 10 till 32 AD, iska matlab aapko 23 years ka procedure last me likhna padega. Ab jab Quran was revealed on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the first 13 years he received revelations in Makkah, they are called Makki revelations. In the last 10 years of his career and life, he received revelation in the city of Medina. They are called Madhi revelations. So obviously, whenever you are going to discuss the procedure of revelation, the process of revelation, likhte hue mera beta, aapko division of revelation ke baare mein bhi baat lazmi karni hogi. To jo answer aap question aapne likha hai, bacha, usme 4 paragraph aayenge. Jinhone sawal nahi likha tha, wo yahan se dekh ke likh lein. Jaldi jaldi haath chalana. Discussion bahut lambi hai. 4 paragraph banao bete. Paragraph number 1, 2, 3, or 4. पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जल्दी हाथ चलाते हैं, 30 काम करते हैं, शाबाश। P1 इंट्रो, पैराग्राफ नंबर 2 प्रोसेस ऑफ रेवलेशन, पैराग्राफ नंबर 3 मेथड्स ऑफ रेवलेशन, और पैराग्राफ नंबर 4 division of revelations. Division of revelations. मूसा बेटा क्लास के एंड में पूछिएगा, नोट्स और वर्ड बुक बेटा सबकी सब आपको कैंपस से मिलेंगी, लेकिन टॉपिक आपको अभी से स्टार्ट समझ में आएगा। मूसा टेंशन ये मत देना कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस ये आपको यहीं से समझ में आएगा। अब अगर वर्क बुक नहीं है मूसा बेटा, किसी भी नोटबुक पे काम शुरू कर दो, कैंपस से आज क्लास के बाद जाके वर्क बुक रिसीव करना 2020 पे करके, और फिर वहां पर अपना ही काम कंप्लीट कर ले। अभी मेरे साथ टॉपिक समझना है क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी टॉपिक के समझाने की बहुत जरूरी है। तो ये एक क्वेश्चन है 2009 नवंबर का, प्लीज मेंशन दैट दिस इज द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग टुडे इज द क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर 2009। नवंबर 2009 के सवाल में उसने जब हमसे बात पूछी तो उसमें आपको प्रोसेस और मेथड्स ऑफ रेवलेशन में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और डिवीजन ऑफ रेवलेशन जो है उसके आपको जो है वो कंक्लूसिव जो अगर आपने उसको लिखा तो उसका वो आपको एडिशन स्कोर मिल गया तो मिल गया। लेकिन इस आंसर में जो दो चीजें लिखना मैंडेटरी है वो दो चीजें हैं प्रोसेस और मैथड्स, और प्रोसेस को बहुत एडवांस और अमेजिंग वर्जन में लेके जाना है तो प्रोसेस के साथ लास्टली डिवीजन को कनेक्ट करना, जो कि एक छोटा सा पैराग्राफ है। अब आप लोग बिल्कुल टेंशन रख देंगे, टाइपिंग वाइपिंग बंद कर देंगे, मैं पैराग्राफ नंबर 1 आपको समझा दूं, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 1 में एक बात को आपने करने को रिलेट करना है ताकि फिर वो पूरा पैराग्राफ में जो डेफिनेशन में लिखा हो आपको कंफ्यूज ना करे। बेटा कोई राइटिंग मत करना, बस अब मेरी बात सुनना, आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन अभी मत बात करने कोई भी। बेटा एक चीज हमारे पास जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेवलेशन, सही है भाई, एक चीज जो है उसको हम बोलते हैं रेवलेशन, और एक और जो चीज है उसको हम बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। मैं आपको जो है रेवलेशन की डेफिनेशन याद करा रहा हूँ यहाँ पर, और वो आप मेरी बात सुनेंगे
आपको याद हो जाएगी। अच्छा मैं रेवलेशन देखूं या कॉन्वर्सेशन? रेवलेशन इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेवलेशन भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये दोनों चीजों में एक कॉमन फैक्टर ये कि बोथ आर द सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स फाइन। लेकिन सर खुर्रम आप हमें बताएं रेवलेशन और कॉन्वर्सेशन में तीन बड़े फर्क क्या है? अच्छा नाउ इफ यू लिसन टू मी जो अटेंटिवली तो मेरा थर्ड डिफरेंस जब तक आएगा आपको रेवलेशन की डेफिनेशन याद हो जाएगी और मैं कुछ सवाल बीच में पूछूंगा तो बस टाइपिंग रेडी है, पेंशन छोड़ के बैठ जाओ बस। कॉन्वर्सेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कॉमन मैन टू अ कॉमन मैन। जब दो आम लोग आपस में चिट चैट करें, जब आम लोग आपस में बातचीत करें, इसको बोलेंगे कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कॉमन मैन टू अ कॉमन मैन। अब मैं रुकूंगा तो मेरा बच्चा और मेरी बच्चियों सारे के सारे मेरे बेटे बेटियों मेरे काकी काकियों आपने जवाब कंप्लीट करना है। कॉन्वर्सेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कॉमन मैन टू अ कॉमन मैन। जल्दी से बताओ रेवलेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन, रेवलेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है भैया, ये बात क्लियर हो गई, पहला फर्क आ गया। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि तुम कितनी जल्दी आइडिया ग्रास्प कर रहे हो ना, क्योंकि आप भी थोड़ा मसरूफ रहो ना, मैं बोलता ही रहता हूँ मुझे कोई समझ नहीं आता, कोई जवाब तो मेरे। परफेक्ट आंसर माशाल्लाह, वेरी गुड। कन्वर्सेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दो आम लोग, रेवलेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्पेशल पर्सनैलिटीज, नंबर वन इज अ पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह, नंबर टू इज अ पर्सनैलिटी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्वर्सेशन इज टू साइडेड कम्युनिकेशन। आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस कैन स्पीक बैक टू मी। जब कॉन्वर्सेशन होगी तो वो दो साइड की बात है। पापा ने बोला बेटा आप कल स्कूल जाओगे, आपने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे, स्कूल तो बंद है। तो इस पूरी सूरत हाल में जब कॉन्वर्सेट करते हैं दो आम लोग तो वो टू साइडेड कम्युनिकेशन है, एक ने बात की दूसरे ने जवाब दे दिया। अभी टाइपिंग बंद कर दो, बिल्कुल रुक जाओ, मुश्किल बात करने लगा हूं, मुझे आगे की तैयारी भी करानी है, बहुत डिटेल टॉपिक है बच्चा, क्योंकि तफसीर और नासिक मंसूख बहुत बेसिक टॉपिक है, ये बहुत तफसील आएगी इसमें। रेवलेशन जो कॉन्वर्सेशन इज टू साइडेड कम्युनिकेशन, रेवलेशन इज वन साइडेड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि व्हेन अल्लाह इज स्पीकिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट वाज नॉट एबल टू स्पीक बैक, व्हाई सो, नाउ लिसन अटेंटिवली। देयर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम द कंपेनियंस ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, स्पेशली द रिपोर्ट्स फ्रॉम हजरत ज़ैद बिन साबित, वन ऑफ द चीफ स्क्राइब्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो दे सेड दैट कि व्हेनेवर प्रॉफिट यूज्ड टू सिट डाउन विद अस, असल प्रॉफिट हमसे बैठ रहे चिट चैट करें, बातचीत करें, बल्कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रॉफिट साहबा से बात कर रहे हैं तो दैट्स कॉन्वर्सेशन, लेकिन अल्लाह प्रॉफिट से बात कर रहे हैं दैट्स रेवलेशन। अब प्रॉफिट पीस अपॉन पे अचानक से आयतें आना शुरू हो गई तो साहबा एक बात करते थे कि प्रॉफिट पियर नेक यूज्ड टू टिल्ट डाउन, तो हुज़ूर इस्लाम की जो यूं बैठे हुए प्रॉफिट गुफ्तगू फरमा रहे अचानक से आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, मतलब गर्दन टेढ़ी उनसे मतलब ये गर्दन आपकी थोड़ी सी झुक जाती थी, बिकॉज समथिंग हेवियर वॉज बींग रिवील्ड ऑन हज़रत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू प्रेस्पायर हैवीली, आपको शिद्दत के ठंडे पसीने आना शुरू होते थे, इवन इफ इट वाज अ चिली विंटर सीजन, कितनी सर्दी का मौसम क्यों ना हो प्रॉफिट को अचानक पसीने आने लगते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहा हसीन और जमील किस्म की शख्सियत थे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आप पे तकलीफ आती थी, जोरदार एक चीज आती थी यहाँ पे, तो आपके एक्सप्रेशन जो थे दे बिकेम हार्डर, हिज फेशियल एक्सप्रेशन बिकेम पिंकिश और रेडिश, जैसे कि वो अक्सर हमने देखा, जैसे हमारा रोहान मेरा जो 1.5 साल का बेटा काका है, उसको जब मैं नीचे ले जाता हूँ जब जानवर दिखाने के लिए, तो गर्मी जैसी होती है ज्यादा तो उसके गाल पिंक होने लग जाते हैं, तो यानी कि वो किसी की रंगत बहुत ज्यादा गोरी हो ना तो उसको गुस्सा आए या उस पर तकलीफ आया, गर्मी लगे तो उसके जो है वो, या उसको कोई एलर्जी होने लगे तो वो पिंकिश जो है वो एक्सप्रेशन। तो प्रॉपर्ट पे तकलीफ जब आती थी उन्हें बहुत भारी रेवलेशन करती थी तो आपके एक्सप्रेशन पिंकिश रेडिश होते थे और वो हार्डर एक्सप्रेशन, इससे नजर आता था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग थ्रू एन अमेजिंग डिफिकल्टी। तो यहाँ पर साहबा बोलते थे कि हमसे प्रॉफिट मोहम्मद की हालत नहीं देखी जाती थी, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू पुट अ पीस ऑफ क्लोथ ऑन द फेस ऑफ नबी अलैहिस्सलाम। अब साहबा करें तो करेंगे, ये तकलीफ अल्लाह की तरफ से है, साहबा वो तकलीफ रोक तो सकते नहीं है, लेकिन साहबा कह रहे हैं हम वो देख भी नहीं सकते, तो वी यूज्ड टू पुट अ पीस ऑफ क्लोथ ऑन द फेस ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, व्हेन प्रॉफिट वाज डन विद रिसीविंग द रेवलेशन, प्रॉफिट रिमूव्ड द क्लोथ एंड देन प्रॉफिट शेयर्ड द रिसीव्ड रेवलेशंस विद अस। अब इस पूरे प्रोसीजर में समझ में क्या आया, प्रॉफिट पे आयतें आ रही हैं, प्रॉफिट वाज शिवरिंग, हिज ही वाज शोइंग डिफिकल्टी फ्रॉम हिज फेस, हिज नेक वाज डाउन, प्रॉफिट वाज परस्पायरिंग हेवीली और हुजूर इस्लाम का पूरा बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता था, सो प्रॉफिट पियर इतनी तकलीफ से गुजर रहे होते थे कि उस टाइम पर अल्लाह वाज स्पीकिंग विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट टाइम ऑफ रिसीविंग रेवलेशन ही वाज नॉट एबल टू स्पीक बैक। हाँ प्रॉफिट ने अल्लाह से रूबरू डायरेक्ट बात की कई बार, लेकिन जिस टाइम पे वही आ रही है ना उस टाइम पे नबी इस्लाम अल्लाह को जवाब नहीं बल्कि सिर्फ स्पीच को सुन रहे हैं और दिल में उसको नक्श और जज्ब किया जा रहा है, तो
So whenever it is about conversation, conversation is two-sided communication. Two people can talk back until they can speak to each other. Whenever it is a revelation, it is one-sided communication. Two फर्क हो गए. पहला दोनों फर्क आप लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बता दिए. तीसरा फर्क जो आ रहा है वो जरा पकड़ना है. इससे पहले कि हम तीसरे फर्क पे जाएं, मैं रिपीट करके तीसरा फर्क बताऊंगा. Conversation is a communication between a common man to a common man. Revelation is a communication between two special personalities, Allah and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Conversation is two-sided communication. Revelation is one-sided communication. Allah spoke to Prophet. By receiving revelation, Prophet was not in the condition. Prophet was not able to speak back. तीसरा बहुत बड़ा फर्क आ गया. समझ लो यहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला अदील खड़े हैं. अब्दुल्ला अदील मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैंने बोला अब्दुल्ला हाय हेलो अब्दुल्ला कैसे हो ठीक ठाक हो और जानवर शानवर ले आए हो कौन सा बकरा लाया आंडू बकरा लाया हो खसी बकरा लाया हो. तो मैंने यहाँ पर जो है खड़े होकर अब्दुल्ला से बात की. वेन समझे आप सब लोग इसका अनफॉर्चुनेटली आप लोग क्लास में मेरे सामने फिजिकली मौजूद नहीं है. आप सब लोग क्लास में मौजूद हैं और अब्दुल्ला सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं और मैंने अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला आज अब जानवर ले आए हैं आप. तो मैंने जब अब्दुल्ला से ये बात की तो अब्दुल्ला को मैंने जब ये बात की अब्दुल्ला से मेरी ये कॉन्वर्सेशन जब हुई ये आस पास के तमाम लोगों ने यानी आप लोगों ने भी सुन ली. सो यू टू अंडरस्टैंड वेन यू कॉन्वर्सेट यहाँ पर डेफिनेशन बनने वाली है रेवलेशन की. When you conversate, conversation executes openly. आजू बाजू के लोग भी आवाज सुन सकते हैं. Despite the fact that if you are whispering into somebody's ear, आप किसी के कान में बात करें और अगर कमरे में जो है पंखे शंखे नहीं चल रहे हैं और कोई ज्यादा नॉइस नहीं है तो शायद जो whisper कर रहा है किसी के कान में आपको वो आवाज भी आ जाए. शायद आपने कभी फील किया हो कभी कोई मोबाइल फोन जो है वो फोन कॉल रिसीव करता है तो फोन कॉल रिसीव करने में अक्सर उसका जो है वो वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हुआ होता है और कहीं पंखा नहीं चल रहा कोई बहुत ज्यादा नॉइस नहीं है आप बराबर बैठे हैं फोन पे वो जो बात कर रहा है कान पे लगाकर आपको आवाज आ रही होती है. तो वो कॉन्वर्सेशन जब भी होगी कॉन्वर्सेशन एग्जीक्यूट्स ओपनली आजू बाजू के लोग सुन सकते हैं. लेकिन नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन रेवलेशन. हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला सेड दैट वन डे आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू नबी इस्लाम प्रॉफिट वाज सिटिंग विद बाय हैविंग द लेग्स क्रॉस्ड ना जिसमें आप आलती पालती मार के बैठने जैसे आप बोलते हैं नबी इस्लाम ऐसे बैठे हुए थे. प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना कहीं पॉस्चर चेंज किया होगा. जैसे बैठते हैं हम लोग थोड़ा टांगों में दर्द होता था हमारी टांग कभी लेग स्ट्रेच कर ली कभी यूं फोल्ड कर ली कभी यूं पॉस्चर चेंज कर लिया. हुजूर इस्लाम ने पॉस्चर चेंज किया तो ज़ैद बिन साबित की टांग प्रॉफिट मोहम्मद की टांग के नीचे आ गई. ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला इस कदर प्रॉफिट के करीब बैठे हुए थे कि प्रॉफिट मोहम्मद लेग एंड ज़ैद बिन साबित लेग दे वर कोलैप्सिंग एंड दे वर स्ट्राइकिंग ईच अदर. इतने करीब चिपक के बिल्कुल साथ ज़ैद बिन साबित बैठे हैं मतलब यूं करके ऐसे देखे जो यूं करके ज़ैद बिन साबित इतने करीब है प्रॉफिट के इतने करीब है ज़ैद बिन साबित प्रॉफिट के. अब प्रॉफिट पे रेवलेशन आना शुरू हुई इतनी जोर की आवाजें प्रॉफिट को आ रही है कि प्रॉफिट को पसीने छूट रहे हैं आपको तकलीफ हो रही है आपकी हालत गैर हो गई है. लेकिन इतनी जोर जोर की आवाजें में से इन्नी सी भी आवाज ज़ैद बिन साबित को नहीं आ रही. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड whenever it's about revelation, revelation executes secretly. जब भी अल्लाह रसूल से बात करेंगे रसूल को जोर जोर की घंटियों जैसी आवाजें आएंगी लेकिन वो आवाज सिर्फ पैगंबर और रसूल को आएगी आजू बाजू के लोग नहीं सुन सकते. मैंने बोला अब्दुल्ला कैसे हो अब्दुल्ला ने जवाब दिया सबने सुन लिया. क्योंकि when conversation is happening, it executes openly, everybody nearby can listen to that. Whenever the revelation is occurring and revealing, even the Sahabi who was sitting next to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he could not even listen to the single word or the single word said by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So revelation and conversation ka ek bahut bada fark aa gaya. Conversation executes openly, revelation executes secretly. Typing ready rahe, main baat karunga to mujhe chote chote jawab chahiye. Main jab sawal puchu to jawab dena bhai. Conversation is a communication between a common man to a common man. Revelation is a communication between. जल्दी से जवाब दीजिए. Revelation is a communication between Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perfect. दूसरा सवाल. Conversation is two-sided communication. Revelation is. Revelation is very nice. Revelation is one-sided communication. तीसरा और आखिरी सवाल बस आपने छोटे छोटे जवाब लिखने ताकि टाइम ज्यादा ना लगे. मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैं रुकूं तो जवाब कंप्लीट करना. Conversation executes openly. आजू बाजू के लोग सुन सकते हैं. Revelation executes
रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट सीक्रेटली, कौन सुन सकते हैं, सिर्फ कौन सुन सकते हैं? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो बेटा हमारी यही डेफिनेशन बनेगी, रेवलेशन इज अ स्विफ्ट नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटेड सीक्रेटली। चलो बेटा P1 के पॉइंट सीखना शुरू करो, मैं स्क्रीन पे भेजा, इधर आ जाओ P1 पे, मैं लिख भी दूंगा साथ में, यहां लिखो P1 पैराग्राफ नंबर 1, ये आ गया जी, मैं पॉइंट्स टाइप करके भेज रहा हूं और मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, शाबाश। लिखिए पैराग्राफ नंबर 1, रेवलेशन इज अ स्विफ्ट नोटिफिकेशन that executes secretly. Revelation is a swift notification that executes secretly. एग्जीक्यूट सीक्रेटली का दूसरा पॉइंट लिखना है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव रेवलेशंस बिटवीन 610 एंड 632 AD, 610 एंड 632 AD। अब ये बात हमारी हो चुकी क्लास के स्टार्ट में कि ये 22 नहीं बल्कि ये 23 इयर्स बनते हैं। सो इन दीस 23 इयर्स ऑफ रिसीविंग रेवलेशंस, हजरत मोहम्मद सल्लम को कई डिफरेंट मेथड से रेवलेशन रिसीव हुई है, लेकिन तो मैक्सिमम नबी सल्लम ने रेवलेशन रिसीव किया जिस मेथड से, वो था थ्रू रिसीविंग द रेवलेशंस थ्रू एन एंजल, एंड द एंजल हु यूज्ड टू ब्रिंग रेवलेशंस टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वाज द आर्कएंजल नेम हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। सो थर्ड और लास्ट पॉइंट P1 का, P1 लंबा नहीं हो सकता, P1 बहुत मुख्तसर होगा, इन दीस 23 इयर्स he mostly received revelations through an angel. He mostly received revelations through an angel, comma Hazrat Jibrail alayhi salam, comma Hazrat Jibrail. उम्मीद है कि पैराग्राफ नंबर 1 इसी पेज पे खत्म हो जाएगा, तो P2 फिर हम लोग नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जहां भी जगह होगी हम वहां से P2 स्टार्ट कर लेंगे। चैट में मैंने आपको 3 पॉइंट भेजे हैं, जल्दी से कॉपी करने हैं बेटे, क्योंकि तो हमने लंबी गुफ्तगू के बाद खत्म किया। नहीं नहीं, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, मैंने पॉइंट्स भेजे ना आपको 3, 1, 2, 3 करके भेजे ना बेटा लाइबा। देखो चैट पे 3 जो पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट फॉर्म में लिखो बच्चा। लेक्चर कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखते, क्योंकि फिर वो बाद में कंफ्यूजन बड़ी होती है कौन सी बात कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई। लेक्चर हमेशा पॉइंट फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में आएगा, अभी देखिए अगला पैराग्राफ में फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखाऊंगा। लेट्स मूव ऑन। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे आपसे मोटी मोटी कुछ गुफ्तगू करनी है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डन एंड लिसनिंग टू मी, क्योंकि आज की डिस्कशन में कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पैटर्न के हवाले से भी, प्लस यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मसला है। कर दो स्टार्ट और आप पेन रख के मेरी बात सुनेंगे, कोई सवाल मत करना, मैं जब पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा कोई कंफ्यूजन नहीं फैलानी है। अगर हम बात करें पैराग्राफ नंबर 2 की, प्रोसेस ऑफ रेवलेशन की, इधर आ जाओ प्रोसेस ऑफ रेवलेशन पे। मैं प्रोसेस ऑफ रेवलेशन का अगर आंसर देख रहा हूँ, तो प्रोसेस ऑफ रेवलेशन पे मैं ब्लैंक पेज पर आया था। 23 इयर्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयतें रिसीव की थी उन आयतों की तादाद क्या, वो कह रहा है भाई प्रॉफिट ने जो 23 इयर्स में आयतें रिसीव की हैं उसका प्रोसेस बता दो। अब मैं 23 इयर्स की वर्सेस के बारे में जब पढ़ना शुरू करता हूँ, तो दीज 23 इयर्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव 6,666 अराउंड 6,000 वर्सेस। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6,000 से ज्यादा आयतें रिसीव की। नाउ लिसन, सवाल नहीं पूछना बेटा, मैंने अभी मोहम्मद उमर मना किया है, ये मुश्किल बात शुरू कर दी मैंने। तो 6,000 आयतों को अगर मैं और आप लिखना शुरू करें, अरे यार 6,000 वर्सेस तो छोड़ो, अगर मैं और आप 66 वर्सेस लिखना भी शुरू कर लिखने की कोशिश करें तो भी वो टाइम पे खत्म नहीं होगी। यू ऑट टू रिमेम्बर यू गाइज आर गिवन 17 मिनट्स टू राइट डाउन ऑल दीज 4 पैराग्राफ्स। तो 17 मिनट्स के ये जो 4 पैराग्राफ है इसमें एक दिक्कत आएगी, एक परेशानी आएगी। पहले मैं उसको डिवाइड करूं, फिर मैं आपको ये वर्सेस वाली बात बताता हूं, वरना तो बहुत सारी कंफ्यूजन फैलेगी। भैया ये मेरे पास आंसर चल रहा है,
मैं अगर पैराग्राफ नंबर वन एक मिनट में कर लूं तो मेरे पास अब 16 मिनट्स बचे हैं। याद रहे कि प्रोसेस ऑफ रेवलेशन बहुत लंबा पैराग्राफ है, लेकिन जो यूजुअल हमारे पास जो ट्रेंड देखा गया वो ये कि स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग दिस पर्टिकुलर आंसर दे स्पेंड मोर देन 12 टू 13 मिनट्स इन प्रोसेस ऑफ रेवलेशन। और प्रोसेस ऑफ रेवलेशन पे जब वो इतना सारा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो उन्हें याद आता है यार अभी तो मैथड्स और डिविजन दोनों बाकी है। नाउ अगर किसी बच्चे ने मैथड्स और डिविजन कंप्लीट नहीं किए तो उसका स्कोर ओवरऑल लेवल 2 से ऊपर जाएगी पाएगा, यानी कि वो 4 or 5 मार्क्स ऊपर स्कोर नहीं कर पाएगा पहली बार। दूसरा ये कि अगर इस बच्चे ने कहा कि चल यार खैर हो गई टाइम ज्यादा लग गया है और उसने मैथड्स और डिविजन पे और ज्यादा वक्त लगाया और ज्यादा देन फिनिशिंग दी आंसर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम 17 मिनट्स, वो बच्चा इस आंसर को 20, 23 or 25 मिनट्स में ले गया, तो इससे एक मसला बड़ा क्लियर है वो ये कि आज ये स्टूडेंट अपना आंसर यानी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उसका 4 मार्क का या 10 मार्क का या 14 मार्क का कोई क्वेश्चन बर्बाद होगा। और ऐसा करने से ए स्टार और ए के ख्वाब देखना बंद करने पड़ेंगे। तो बेटे यहाँ पर इस्लामियत का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि वी आर सपोज टू राइट एक्सटेंसिव आंसर्स इसमें फैक्ट्स देने, लेकिन वी नीड टू बी वेरी मच श्योर एंड सर्टन कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम पे दें। तो मेरा काम एज अ टीचर ये नहीं कि मैं आपको बस सवाल लिखाऊं जवाब बता के निकल जाऊं, मेरा काम ये अभी मैंने आज ऐसे शुरू से क्या बात की बेटा आंसर लिखे आपने भेजे मैंने कॉमेंट किया, क्योंकि वे ऑफ राइटिंग तो मैटर करता है, वी आर नॉट गोइंग फॉर द ओरल एग्जामिनेशंस, वी आर गोइंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशंस, और रिटन एग्जामिनेशन में जो हमारे आंसर शीट है वो बहुत मैटर करती है। तो आपका ये आंसर विद इन 17 मिनट्स खत्म हो, P1 अगर आपको लग रहा है टाइम लग रहा है P1 खा जाओ, तो लेकिन P1 अगर आपने देखा हो तो इट इज नॉट मोर देन 40 और 50 सेकंड्स की बात। तो P1 के बाद अब P2 P3 P4 पे बात करते हैं, सुन लेना ज़रा गौर से। प्रोसेस ऑफ रेवलेशन 23 इयर्स का प्रोसीजर टू मच लेंदी है, ये पैराग्राफ बहुत टाइम ले लेगा। तो एक काम पहले करो, पहले आप अपने आप को समझा लो कि पैराग्राफ नंबर वन के शायद ही आपको मार्क्स ना मिले, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन क्योंकि ये मेजर मार्किंग सीन का एलिमेंट नहीं है। पैराग्राफ नंबर टू के लेट से 4 मार्क्स हैं, P3 के लेट से 4 मार्क्स हैं और P4 के लेट से 2 मार्क्स हैं। वैसे तो लेवल होगा हर चीज का, लेकिन मैं इसको आपकी आपके लिए एक सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आज को मार्क्स में डिवाइड किया। अब अगर एक बच्चा प्रोसेस ऑफ रेवलेशन में 10-15 मिनट स्पेंड कर दे उसको कितना सवाब मिलेगा? मैक्सिमम 4 मार्क्स। एक स्टूडेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ रेवलेशन लिख रहा था, लेकिन उसका प्रोसेस लिखा पर टाइम ज्यादा हो गया, उसने प्रोसेस ऑफ रेवलेशन इनकम्प्लीट छोड़ा और उसने मैथड्स को और फिर डिवीजन को कंप्लीट किया, तो पता चला उसको मैथड्स के फुल मार्क्स मिल गए, डिवीजन के फुल मार्क्स मिल गए, प्रोसेस के आधे मार्क्स मिल गए, तब भी ये स्टूडेंट 8 मार्क्स स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 10। तो प्लीज प्लीज रिमेंबर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द की एलिमेंट्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी एग्जामिनेशन इज दैट यू नीड टू कंप्लीट योर एग्जाम। भले कुछ चीजें छोटी छोटी आधी अधूरी हो जाए, मुकम्मल करने से मैक्सिमम मार्क्स प्रिजर्व होते हैं। तो प्लीज मेरी टाइम मैनेजमेंट की ये स्ट्रैटेजी याद रखिए, मैं भी लिखवा भी रहा हूं उसको। जब भी आप ये आंसर लिखने बैठोगे, चलो पहले तो आप जैसे लेट्स से होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क में लो आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे को दिक्कत थोड़ी है उसमें, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में आप बैठे हुए, फाइनल एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको अपने आप को पहले से इस बात पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि भैया P1 और P2 यानी स्पेशली P2 जो है वो बहुत लेंदी है, तो कितना भी लेंदी हो उस पे सवाब कितना मिलना है? मैक्सिमम 4 मार्क्स। तो एक काम ये करना है, सर खुर्रम ने ये बात पहले दिन समझा दी थी कि पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 को आपने अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम 10 टू 11 मिनट्स में। अभी लिखना नहीं से मेरी बात सुनना, पैराग्राफ नंबर 3 जो कि 4 मार्क्स का है पर उसकी लेंथ शॉर्ट है, मुझे तो याद है ना, तो पैराग्राफ नंबर 3 जो कि 4 मार्क्स का है पर उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है, ये टाइम पे जल्दी खत्म हो जाता है, तो ये आप करोगे 4 to 5 मिनट्स में। तो 10 से 11 मिनट यानी मेरे हिसाब से 10 मिनट से ऊपर नहीं जाने चाहिए, और ये 4 टू 5 मिनट्स का मतलब ये है कि विद इन 14 टू 15 मिनट्स में आपने ये काम कर लिया, ये वाला पैराग्राफ आपका आराम से 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 17 से 18 मिनट अगर हो जाए तो उम्मीद है कि किसी और आंसर में हम लोग 1-8 मिनट बचा लेंगे, लेकिन ये ना हो कि 25 मिनट, मैंने यूजुअली देखा है स्टूडेंट P2 ही कर रहा होता है 17 मिनट खत्म हो जाते हैं, लेकिन लेंदी पैराग्राफ है यार, उसको शॉर्ट कैसे करें, सर खुर्रम के नोट्स को कंसाइज कैसे करें, सर खुर्रम ही तो सिखाएंगे। तो प्लीज रिमेंबर दैट पैराग्राफ 1 और 2 अगर एक स्टूडेंट लिख रहा है, लेट्स से कि मोहम्मद शहीद पैराग्राफ 1-2 लिख रहे थे, शहीद इज वेरी गुड स्टूडेंट, शहीद ने अपने सामने घड़ी रखी हुई, शहीद ने देखा 5:20 मैंने स्टार्ट किया, 5:30 हो गए, शहीद ने देखा नाले टाइम निकल गया और अभी प्रोसेस ऑफ रेवलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, शहीद ने प्रोसेस में आखिरी लाइन लिखी कंक्लूसिव डायरेक्ट मेथड्स में जंप कर दी, तो शहीद का प्रोसेस अगर अधूरा भी रह गया मरे से मरे 2 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, लेकिन फिर मैथड्स और डिविजन कंप्लीट करने की वजह से उम्मीद है कि शहीद हो या कोई भी स्टूडेंट हो वो मेजॉरिटी मार्क्स प्रिजर्व कर लेंगे। तो प्लीज 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 डू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर आंसर
P1, P2 में आप 10 टू 11 मिनट से एक सेकंड भी एक्सीड नहीं कर सकते, और फिर मेरी गारंटी है आपको, भले आप स्लो राइटर ही क्यों ना हो, P3, P4 वक्त पे खत्म हो जाता है, वो थोड़े मुश्किल पैराग्राफ्स हैं, लेकिन उनकी लेंथ बहुत शॉर्ट है। तो लिखो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, P1, P2, 10 टू 11 मिनट्स, P3, 4 टू 5 मिनट्स। होमवर्क करते हुए टाइम का ख्याल नहीं रखना है, जब आप एग्जाम्स में जाएंगे रिटन प्रैक्टिस करेंगे तब अपना टाइम का ख्याल रखना है। वर्ड लिमिट का कोई सिलसिला नहीं है हमारे सिलेबस में, मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में ये बात क्लैरिफाई की है। P3 4 टू 5 मिनट्स में होगा, और P4 जो है बहुत छोटा पैराग्राफ है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लेंथ का अंदाजा हो जाएगा। ये देखो, ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा P2 है, और ये इतना सा P3 है। P3 बहुत छोटा है भाई, और पैराग्राफ नंबर 4 भी, ये पैराग्राफ नंबर 4 ये भी बहुत छोटा सा पैराग्राफ बनेगा। तो आपको P2 पे जरा वर्किंग तेज रखनी है, लेकिन बहरहाल अगर आप P2 के बारे में तफसील नहीं देंगे तो स्कोर भी तो नहीं आएगा ना, इसके P2 के बारे में बात जरा लंबी होगी। एनीवेज आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता ही रहा था पैराग्राफ नंबर 2 प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन पे, उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा भाई। इंट्रोडक्शन और प्रोसेस के 10 टू 11 मिनट्स हैं, P3 विदिन 4 टू 5 मिनट्स में हो जाएगा इंशाल्लाह आराम से, और P4 भी। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने स्कोर नहीं किया, मैं आपको आज ही बात बता रहा हूँ, और वो बात ये है कि आप जो है वो पैराग्राफ नंबर 2 में इजाफी वक्त खर्च कर देंगे, वो आपको करने की इजाजत नहीं है। इसलिए हमने आपको पहले दिन रिस्ट्रिक्ट किया भाई, P2 मैक्सिमम 10 टू 11 मिनट्स। अब रुक जाओ और मेरी बात को ध्यान समझना, मैं पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ाने लगा आपको। P2 प्रोसेस ऑफ रेवलेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ 23 ईयर्स। इन 23 ईयर्स में प्रॉफिट ने 6,000+ वर्सेस रिसीव की। अगर मैं और आप 66 वर्सेस भी लिखते हैं तो भी आंसर टाइम पर खत्म नहीं होगा। तो सर खुर्रम, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि आप हंड्रेड्स एंड टेन्स ऑफ वर्सेस ना लिखें, आप सिर्फ लिखेंगे पॉपुलर वर्सेस। पॉपुलर वर्सेस का मतलब ये हुआ कि आप एक वर्ड्स लिखो, उसके फिर 3 साल की बात की वर्ड्स लिखो, फिर उसके 4 साल। कौन सी वर्ड्स लिखनी वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम था थाउजेंड्स ऑफ वर्सेस। सॉल्यूशन है, वी विल कवर ओनली मोस्ट पॉपुलर वर्सेस। मोस्ट पॉपुलर वर्सेस कौन सी है? फर्स्ट रेवलेशन ऑन प्रॉफिट, लास्ट रेवलेशन ऑन प्रॉफिट, नमाज, रोजा, ज़कात, हज की रेवलेशंस, या फिर माइग्रेशन और पेशेंस के ऑर्डर्स। तो सबसे पहला मसला, थाउजेंड्स वर्सेस की बजाय क्या लिखनी है? पॉपुलर वर्सेस। दूसरा मसला हमारे पास ये आ गया कि सर खुर्रम, आपने हमें लेवल मार्किंग सिस्टम में बताया था कि एग्जामिनर साहब कहते हैं कि अगर किसी के आंसर में एक फीचर है, यानी कि आंसर ऑर्डर में नहीं या सीक्वेंस में नहीं है, तो स्टूडेंट के जो है मार्क्स ठीक ठाक डिडक्ट हो जाएंगे। तो सर खुर्रम, आप हमें कह तो रहे हो कि एक आयत लिख के जंप मार के एक और आयत लिख दो, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की सीक्वेंस गलत हो गई तो फिर एग्जामिनर उसका एक लेवल रिस्पॉन्स यानी 3 मार्क्स डिडक्ट कर लेगा फौरन, क्योंकि ये उसका फिर फीचर मिसिंग है। सो यू कैन नेवर डू दैट, कि अगर आप सिर्फ पॉपुलर वर्सेस लिख रहे हैं तो आपने एक आयत लिखी मक्का की, 2 आयतें लिख दी मदीना की, फिर एक और आयत लिख दी मक्का की, ना ना ना, यू आर मेंशनिंग दीज पॉपुलर वर्सेस, लेकिन ये पॉपुलर वर्सेस आने चाहिए इन ऑर्डर, ये पॉपुलर वर्सेस आने चाहिए विद इन द राइट सीक्वेंस। सीक्वेंस का सर खुर्रम सोल्यूशन क्या है? सर खुर्रम, आपको वो सीक्वेंस अभी के अभी याद कराएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी, वो टेंशन आप छोड़ दें। तो पहला मसला, थाउजेंड वर्सेस सॉल्यूशन, पॉपुलर वर्सेस लिखनी है। दूसरा मसला, आप वर्सेस को सीक्वेंस से कैसे लेकर आएंगे, वो सीक्वेंस सर खुर्रम आपको याद कराएंगे, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो इस वक्त आप जो है स्क्रीन पे देखते रहे और तवज्जो फरमाते रहे। जब भी ये आंसर आया और इस आंसर की मार्किंग सी वहां साहब सामने जनरेट हुई, तो एग्जामिनर साहब ने किया ये कि एग्जामिनर साहब कहते हैं कि यार इस आंसर को लिखते हुए यूजुअली स्टूडेंट एक काम ये कर ले, और वो ये कि स्टूडेंट जो है, कौन सा वाला खोलो, अच्छा है ये वाला, इस आंसर में स्टूडेंट जब आंसर लिखे तो उसमें वो फर्स्ट रेवलेशन को लाजमी करोगे। देखें, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेवलेशन। प्रोसेस ऑफ रेवलेशन में 2 बातें बड़ी क्रूशियल हैं, एक द फर्स्ट रेवलेशन रिसीव बाय हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, और दूसरी द लास्ट रेवलेशन रिसीव बाय हजरत मोहम्मद पीस अपॉन। अब हम नवंबर 2009 का क्वेश्चन देखें या नवंबर 2012 का क्वेश्चन देखें, तो एग्जामिनर साहब की एक रिक्वायरमेंट सामने आई है, जो कि मैंने फिर रिसेंट लास्ट ईयर जो है नोट्स में अपडेट करके उस आंसर को ऐसे प्रेजेंट किया। एग्जामिनर कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ रेवलेशन Whatever revelations you are going to mention, that's your choice. बस एक बात का ख्याल रहे कि sequence और order में आनी चाहिए बातें। पर जब भी revelation का process लिखा जाए, first revelation के बारे में brief discussion लाजमी करनी है। तो prophet received first revelation in cave Hira. तो please, please, please do not forget that, क्योंकि आगे मैं patterns में इस बात को paragraphing में लाजमी करके mandatory लिखाऊंगा कि यार जब भी process start हो, cave Hira वाले event की थोड़ी सी details बतानी। तो अब मैं प्रोसेस ऑफ रेवलेशन को स्टार्ट उस तरह से करता हूं, फिर मैं याद कराऊंगा। अभी टेंशन रख देना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ स्क्रीन पे गौर करना है। द
The process of revelation is started on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year 610 AD when he was around 40 years old. While meditating in Cave Hira, Hazrat Muhammad, peace upon him, was suddenly visited by the archangel named Jibrail alayhi salam. Jibrail ordered him to read. Prophet said, "I cannot read," and Jibrail hugged him and crushed him really tight. This repeated two more times, and then after that, Prophet Muhammad sallallahu alaihi received the very first revelation, which was declared by Hazrat Jibrail and memorized by Hazrat and recited by Hazrat Muhammad, peace be upon him. The verses are: "Read in the name of your Lord, who created man out of the clot of congealed blood. Proclaim, your Lord is most bountiful, who taught by the pen, taught man what he did not know." अब एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे आगे बहुत कुछ लिखना है. केव हिरा इटसेल्फ इज अ ह्यूज इवेंट, लेकिन यहाँ पर केव हिरा को बड़ा कंसाइज लेके चलना था. सवाल का जवाब देना आप लोगों ने टाइपिंग करें. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेवलेशन रिसीव नहीं की थी तो वो आम आदमी थे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट पर पहली रेवलेशन आती है, आप आम आदमी है या अल्लाह के रसूल? डन हो गया. Before the age of 40, he did not receive any revelation. And now in the cave Hira, when he received the first revelation, he became the Rasul of Allah. Thank you so much. Jazakallah. Baat samajh mein aa gayi. Ek baat batao. Ab balki mujhse samajh lo. When he received the first revelation, he became the messenger of Allah. When he became the messenger of Allah, he started a new career. Tukka maar lo, agar pata hai to jawab correct dena. He started a new career. After receiving revelation, the career Prophet Muhammad started was a career of what? It was a career of trading or career of preaching. After receiving revelation, he started a career of trading, a career of preaching. Thank you so much. Alhamdulillah. Okay, ek bhi jawab galat nahi aaya. Wow, zabardast. Ek bachne likh diya both. Ye sahi hai. Theek hai bhai. Ab main aapko ye yaad kara raha hu. Please do remember that whenever you are mentioning the process of revelation, aapko Cave Hira ke bare mein thoda sa likhna hai, aur ye wali ayat jo screen pe highlighted hai, ye lazmi likhni hai. Now let me move on. और मैं दो तीन बार रिपीट करूंगा बेटा, मैं अपने फेफड़े सुखाऊंगा यहाँ पर. याद होगा तो आगे जाएंगे, वरना तो मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. इसलिए आप कोई टाइपिंग मत करना, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस और याद करना है. The process of revelation started on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet received the first revelation in the year 610 AD. On receiving the first revelation, he became the messenger of Allah. On becoming the messenger of Allah, he started his new career. That was a career of preaching Islam. In the first 3 years, Hazrat Muhammad preached Islam silently. In the first 3 years of his career, Hazrat Muhammad peace be upon him preached Islam silently. Idhar se aate hain, ye wala sahi. In the first 3 years, Prophet Muhammad preached Islam silently. After 3 years of silent preaching, Hazrat Muhammad started preaching openly. Unfortunately, open preaching brought opposition and persecution. Wapas aana hai, kyunki main phir ye sununga aapse. Prophet became the messenger of Allah. In the first 3 years, he preached Islam silently. After 3 years, he preached Islam openly. Unfortunately, open preaching brought opposition and persecution. मैं स्क्रीन गायब कर रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए. मैं बोलूंगा, मैं रुकूंगा तो आप कंप्लीट करेंगे. Prophet became the messenger of Allah, and then he started his career of preaching Islam. In the first 3 years, Prophet preached Islam. In the first 3 years, Prophet preached Islam silently. After 3 years of silent preaching, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam openly. Next, my answer will be longer. Unfortunately, open preaching brought what? Opposition and persecution. यहाँ तक याद हो गया इसका मतलब. जिसको याद नहीं हो, मैं क्योंकि रिपीट करूंगा तो पक्का याद होना चाहिए भैया. याद नहीं होगा अपन आगे नहीं जा रहे, मैं बता रहा हूं अभी से. चलो स्क्रीन पे देखो वापस. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam became the messenger of Allah. On becoming the messenger of Allah, he started his career of preaching Islam. In the first 3 years, Prophet peace be upon him preached Islam silently, yes, secretly. After 3 years of secret preaching, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam openly. Unfortunately, open preaching brought opposition and persecution. Ruk jao, aage mat abhi koi timing mat karna. In the years of persecution, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received revelations mostly on the subjects of patience and motivation. When patience and motivation did not work, many followers had been killed. Many more could have been killed. Allah ordered. अभी मैं सवाल पूछूंगा, देखना है majority लोग गलत जवाब देंगे. When patience and motivation did not work, many followers had been killed. Many more could have been killed. Allah ordered followers to migrate. Allah orders followers to migrate from Makkah to
अल्लाह ऑर्डर फॉलोअर्स टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू, पता ना इसमें इसमें जवाब में एक सामने थे, ठीक है. दिस इज व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि 50% ऑडियंस का जवाब गलत आ रहा है. अल्लाह ऑर्डर्ड फॉलोअर्स टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू एबेसिनिया. प्लीज रिमेंबर दैट माइग्रेशन दो हैं. फर्स्ट माइग्रेशन वाज अ माइग्रेशन ऑफ फॉलोअर्स टू एबेसिनिया, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे, और जिसमें प्रॉफिट और सहाबा दोनों गए थे, दैट वाज द सेकंड माइग्रेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट्स माइग्रेशन. इट वाज द सिटी ऑफ मदीना. तो करेक्ट आंसर इज नॉट मदीना राइट नाउ, करेक्ट आंसर इज एबेसिनिया. रुक जाओ जरा, फिर आपका सवाल आएगा. Prophet became the messenger of Allah. In the first 3 years, he preached Islam silently. After 3 years, he preached Islam openly. Unfortunately, open preaching brought opposition and persecution. In the years of persecution, Prophet received mostly verses on the subject of patience and motivation. When motivation could not work, many followers had been killed. Many more could have been killed. Allah ordered followers to migrate from Mecca to Abyssinia. Since Prophet did not migrate to Abyssinia, he was still living in Mecca. And he was continuously being tortured by the people of Quraysh. In these years, when Prophet was being tortured terribly, in these years, Allah revealed verses for Hazrat Muhammad, peace upon him's consolation. When Prophet's consolation could not work, and even the people of Quraysh were on the verge of, they were on the edge of assassinating Hazrat Muhammad, peace upon him. They were about to kill Prophet Muhammad, peace upon him. Allah ordered Prophet Muhammad, peace upon him, to migrate from Mecca to मदीना. अब एक बात समझना, स्क्रीन पे देखते रहो. अगर मैं बात करूं फर्स्ट रेवलेशन की, तो एक कब की बात है, 610 AD. अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की माइग्रेशन की, तो क्या है, 622 AD. मैंने 610 से 622 AD को कवर कर लिया है, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है. मैंने 610 से 622 AD को कवर तो किया, लेकिन ये 13 ईयर्स में मैंने क्या किया, सारी आयतें तो नहीं लिखी. मैंने तो क्या मारी है, जंपें, और जंपें मार मार के मैंने आयतें लिखी है. अब मेरे बच्चा देखना ये है कि आपको क्या याद नहीं हुआ. जो याद नहीं हुआ है वो फिर लिखते हुए याद होना चाहिए. नाउ दिस इज योर असेसमेंट. टाइपिंग होगी, एक एक वर्ड के मैं आंसर पूछूंगा, तो अब देखते हैं कि आपके जवाब कितनी जल्दी आते हैं. Prophet became the messenger of Allah in the first 3 years of his career when he started preaching Islam. In the first 3 years of his career, he started preaching Islam. He preached Islam secretly. After 3 years of secret preaching, from 4th year of prophethood, Muhammad started preaching Islam openly. अच्छा, अपोजिशन प्रोसिक्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है ओएमपी. अनफॉर्चुनेटली ओपन प्रीचिंग ब्रॉट, अब यहां पर बहुत सारे लोग अटकेंगे. अगला सवाल आ रहा है, इन द इयर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रॉफिट मोस्टली रिसीव वर्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ, इन द इयर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रॉफिट मोस्टली रिसीव वर्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ, वेरी नाइस, पेशेंस एंड मोटिवेशन, वेरी गुड. When patience could not work, many followers had been killed. Many more could have been killed. Allah ordered followers to migrate to Abyssinia. Perfect, amazing. मजा आ रहा है पढ़ाने में, जबरदस्त, awesome हो गया सर सीन. Allah ordered followers to migrate to Abyssinia. अब जरा तहमुल से अगला सवाल सुन के जवाब देना. Since Prophet did not migrate to Abyssinia, he was still living in Mecca. In these years, Prophet was being tortured by Quraysh. So Allah revealed verses for Hazrat Muhammad, peace upon him. Consolation. Prophet's consolation could not work. People of Quraysh were on the verge of assassinating Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ordered Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to. Migrate to Medina. Perfect हो गया सर, मजा आ गया. Chill scene on है. Very good. Alhamdulillah. चलो बेटा कॉपी करो, पैराग्राफ नंबर 2 कॉपी करना है जल्दी से. P2 कॉपी कीजिए सर, जहां भी P1 खत्म हो वहां से P2 स्टार्ट कीजिए और कॉपी करना शुरू कीजिए. याद रखिएगा अभी हमने सिर्फ मक्की वर्सेस को डिस्कस किया है, मदनी वर्सेस बाकी हैं, और अजान भी शुरू हो गई. चलो अच्छा, आप कॉपी करोगे और अजान भी हो जाएगी. ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिखना है जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, एरो के साथ बेटा, लाइवा एरो के साथ जैसे लिखा हुआ स्क्रीन पे वैसे ही काम होगा. फ्लो चार्ट बनाना है.
सूर्य अलग का रेफरेंस थोड़ा सा लंबा है, और सूर्य कदर चैप्टर नंबर 97 वर्स नंबर 1 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वी हैव इंडीड सेंड डाउन दिस मैसेज इन द नाइट ऑफ पावर। वो आयत छोटी है, स्टूडेंट्स को पसंद होती है लिखना, और हमने जब लास्ट ईयर नोट्स अपडेट कंपनी के, तो उससे पहले हमने वही आयत लिखी हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ मार्किंग सीम इन 2009-2012 एग्जामिनर की जो है शर्त है ये कि यू गाइस शुड बी मेंशनिंग द इवेंट ऑफ केव हिरा अ लिटिल ब्रीफली, यू नीड टू स्पीक अबाउट दैट, और आपको सूरह अलग की कोटेशन लिखनी है। इसलिए आपको कोटेशन यही लिखनी होगी जो मैंने आपको बताई, सीधी बाजी खुल गई आपको कोटेशन, तो आपको कोटेशन लिखनी लाजमी है, लेकिन कोटेशन जो लिखनी है वो सूरह अलग होनी चाहिए। तो ये मैंने सूरह कदर काट दी है। जी बेटा, कोटेशन लिखना लाजमी होती है। मैं हसन इसके बाद कोटेशन पे ही बात करने वाला हूँ, कॉपी कर लो बस, अजान हो जाए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अब मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, अजान हो रही। अच्छा बेटा, ये इवेंचुअली जो मैं आपके साथ पीडीएफ टॉपिक खत्म होने के बाद शेयर करता हूँ, तो अगर कोई आप पैराग्राफ नंबर 2 कॉपी कर ही रहे हो, तो अगर इस स्टाइल में कॉपी होगा पीपी 2 जिसमें लेफ्ट में आपके पास मक्की और राइट में मदनी आ जाएंगी तो भी ठीक है, कंटिन्यूएशन में भी ठीक है, लेकिन यूं अगर कॉपी होगा बाद में तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये दिखा दूंगा, इस तरह से कॉपी करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं। अब पेन रख देना है, कुछ नहीं बोलना है थोड़ी देर तक, क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड तक जाके अब जो है वो सांस लेनी है। मैं मक्की लाइफ के शुरू से लेके मदी लाइफ 23 साल का प्रोसीजर एक साथ सुना रहा हूँ, तो प्लीज प्लीज कोई टाइपिंग नहीं करेंगे, और मेरा लेक्चर मिस होने पे आप परेशान बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि फिर मैंने उसमें सारी चीजें टेक्निकल चीजें बतानी है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मसला ये आया, हमने कहा कि यार 6000 प्लस वर्सेज हैं, कौन सी लिखें, डिसाइड हुआ पॉपुलर वर्सेज। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि सर खुर्रम, हम पॉपुलर वर्सेज लिखते हैं और हर वर्स के बाद 3-4 ईयर्स के बाद की वर्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन सर इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, अदरवाइज वी आर गोना लूज एटलीस्ट वन लेवल। तो सर सीक्वेंस का सोल्यूशन क्या था, हमने सीक्वेंस मेमोराइज कर ली। ये तीसरा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है, वो ये बच्चे आगे बोलते हैं, यार सर खुर्रम आप एक बात बताएं, हम प्रोसेस ऑफ रेवलेशन में कोटेशंस कितनी लिखें, यार जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे कोटेशन है, सीक्रेट प्रीचिंग, ओपन प्रीचिंग, माइग्रेशन टू अबिसिनिया, कंसोलेशन, माइग्रेशन टू मदीना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिहाद, शराब, जुआ वगैरह वगैरह, यार सर खुर्रम कितनी आयतें लिखें, जितनी आयतें लिखेंगे उतना मुश्किल होगा याद करना, उतना टाइम ज्यादा लगेगा, उतना मसला आएगा। सो हाउ मेनी कोटेशंस आर वी सपोज टू मेंशन इन दिस प्रोसीजर ऑफ रेवलेशन, क्योंकि हर कदम पर हर स्टेप पर रेवलेशन का ही तो बात डिस्कस करा हो रहा है। सर इसका सोल्यूशन मार्किंग स्कीम है, इसका सोल्यूशन एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है। एग्जामिनर कितने जो है वो यहाँ पर रेफरेंसेस मांग रहा है, तो उसके बारे में मेरा बच्चा याद रहे कि एग्जामिनर साहब के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जामिनर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से
यहाँ पर जो है वो आपको मैक्सिमम मिनिमम एक कोटेशन और मैक्सिमम दो कोटेशन लिखनी चाहिए। अब वो दो कोटेशंस कौन सी होंगी, आपकी मर्जी, नमाज वाली, जकात वाली, मेराज वाली, दैट्स डेफिनेटली योर चॉइस। लेकिन इफ यू वुड लाइक टू हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन, आप चाहते हैं कि सर खुर्रम आप कमेंट करें कौन सी आयतें लिखनी है, तो सर 2012 की मार्किंग और 2009 की मार्किंग के हिसाब से फर्स्ट रेवलेशन तो होनी ही होनी चाहिए, सूरह अलक की 5 आयतें लाजमी लिखनी है। तो दूसरा कोटेशन अगर आप लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से व्हाट यू गाइस शुड बी डूइंग कि आप सब पूरी की पूरी आयतों के बारे में डिस्कशन होगा तो तमाम आयतों के टॉपिक्स लिखेंगे, लेकिन वर्सेस आप सिर्फ दो ही लिखेंगे, एंड दे शुड बी द फर्स्ट रेवलेशन ऑन प्रॉफिट एंड द लास्ट रेवलेशन ऑन प्रॉफिट। सर फर्स्ट और लास्ट रेवलेशन ही क्यों, क्योंकि इससे आंसर बहुत ही कोई पप्पू लगता है। नंबर टू, इससे आंसर में जब आप फर्स्ट और लास्ट रेवलेशन लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट रेवलेशन को लिखने की दूसरी वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इन दोनों में से कोई एक आयत यूजुअली याद होती है, और अक्सर हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आखिरी वाली आयत याद होती है। मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को ये आयत याद हो। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3 में अल्लाह पाक कह रहे हैं, वो जो आयत है सूरह मायदा की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली, मैं उसकी ट्रांसलेशन आपको सुनाता हूँ। दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, have completed my favors upon you and have chosen Islam for you as your religion. तो बेटा अगर quotation की बात आएगी तो आपको 23 years के procedure में सिर्फ दो quotations लिखनी है जिसकी translation लिखनी है। Number one, the first revelation on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Alaq, read in the name of your Lord who created man out of the blood of congealed blood, proclaim your Lord is most bountiful who taught by the pen, taught man what he did not know. ये आयत और आखिरी वाली आयत ये काफी है। इसके अलावा पूरे आंसर में अगर आपने एक भी आयत नहीं लिखी, सर मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं, ये ए स्टार और डिस्टिंक्शन लेवल की स्क्रिप्ट के लिए काफी है। अब ये बात क्लियर हो गई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। टाइपिंग मैंने मना किया, कोई अभी बात नहीं करेगा बीच में। 6000 आयतें हमने पॉपुलर वर्सेस देखी। सीक्वेंस के लिए सर खुर्रम आपने हमें सीक्वेंस याद करा दी, बल्कि आप लोगों ने बहुत ही कुछ जबरदस्त किस्म के जवाब दिए। तीसरा, कोटेशंस की भी लिखनी है तो कौन सी दो, आपकी मर्जी। सर खुर्रम आपका ओपिनियन, इट शुड बी द फर्स्ट रेवलेशन ऑन प्रॉफिट, इट शुड बी द लास्ट रेवलेशन ऑन प्रॉफिट। अब सुन लेना मेरी बात, मैं अगर यहाँ पर कुछ राइटिंग करूंगा आपने उसके बारे में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मैं टीचर हूं आप स्टूडेंट हो। इफ आई एम सेइंग कि प्रॉफिट रिसीव द रेवलेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ साइलेंट प्रीचिंग, तो यार आपके लिए तो ये काफी है। बीइंग अ स्टूडेंट यू आर राइटिंग दैट प्रॉफिट बिगेन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड देन ही स्टार्टेड द करियर ऑफ प्रीचिंग in the first 3 years he preached secretly, that's it. Being a student, that's more than enough. Like being a teacher, if he was teaching Islam secretly by the orders of Allah, Mr. Khurram Hussain, being a teacher, you are supposed to tell us what was that order of Allah, what was the ayat number, what was the surah number, and what was actually the ayat. So I am giving you the another summary, lekin ab agar main yahan screen pe koi writing karunga, aap apne paas copy nahi karoge जब तक मैं इजाजत ना दूं क्या कॉपी करना है, क्योंकि आपके लिए ये आयत जरूरी थी, ये मैंने आपको कॉपी करवा दी है। आगे मैं आयतें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ऑथेंटिसिटी बढ़ जा सके कि हाँ यार कुरान में इसी सीक्वेंस से आयतें नाजिल हुई हैं। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ईयर 610 एडी आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट रेवलेशन व्हेन ही बिकेम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ही बिगन हिज करियर ऑफ प्रीचिंग इस्लाम। इन द फर्स्ट 3 years ही प्रीच्ड इस्लाम सीक्रेटली बाय द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह, and the orders are mentioned in Surah Shura, chapter number 26, verse number 214, in which Allah subhanahu wa ta'ala said, therefore, admonish your nearest kinsman, a Nabi, a Rasool, sirf rishtedaron ko invite karna hai, public preaching ki zarurat nahi hai. After 3 years of secret preaching, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam received Surah Hijr, chapter number 15, verse number 94, in which he was ordered by Allah to preach Islam publicly, and the verses he received for this order are Surah Hijr, verse number 94, Allah stated, therefore, expound openly for what you are commanded and turn away from those who join false gods with Allah. Expound openly ka matlab hai, public preaching karne ki zarurat hai. After open preaching, unfortunately, the people of Quraysh started torturing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers. So these were the years of persecution. In these years, Prophet received revelation on the subjects of patience and motivation. When many followers had been killed and many more could have been killed, Allah revealed Surah Zumar, chapter number 39, verse number 10, in which followers were ordered to migrate from Makkah to Abyssinia. Ab maine aapse kya bola? Is daur mein takleefein bahut zyada thi, to aksar is daur mein jab verses aati thi, usme tasalliyan thi. उसमें सबर 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 अल्लाह की मदद आएगी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट अल्लाह आयतों में दिलाते थे। अब मैं आयत आपको सुना रहा हूँ, सूरह ज़ुमर वर्स नंबर 10। इस आयत में आपको तीन चीजें मिलेंगी, नंबर 1 माइग्रेशन, नंबर 2 पेशेंस एंड मोटिवेशन।
तो मैं आयत आपको पढ़ के बताता हूँ और आप देखिएगा कि आप, मैं आयत पढ़ूंगा तो आपने बस टाइप करके बताना है कि आयत का ये टुकड़ा क्या है, पेशेंस है, मोटिवेशन है या माइग्रेशन। आयत बहुत छोटी सी है, मैं इसको रोक रोक के पढ़ूंगा, आपको जो भी टॉपिक समझ में आए तीनों में से आपको टाइप करके बता दीजिए सर ये वाला इस आयत में ये टॉपिक बताया जा रहा है। तीन टॉपिक्स हैं, पेशेंस, मोटिवेशन और माइग्रेशन। सूरह ज़ुमर वर्स नंबर 10, गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड। क्या है पेशेंस है, मोटिवेशन है या माइग्रेशन है? गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड, मोटिवेशन आ गई, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, ये वाली आयत में आप, ठीक है, इस दौर में आयत आएगी तो तसल्ली भी साथ में आएगी, क्योंकि मुसलमान बहुत परेशान थे तो अल्लाह पाक तसल्ली साथ भेजते थे। गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह अर्थ इज स्पेशियस। अल्लाह की जमीन फैली हुई है, यहाँ रहो तो भी अल्लाह की जमीन है, कहीं और जाके रहो वो भी अल्लाह की जमीन है जी। एंड अल्लाह अर्थ इज स्पेशियस, अल्लाह की जमीन फैली हुई है, ये ऑर्डर है माइग्रेशन का। और अगला आप तो टॉपिक आपको पता है एक ही रह गया, एंड द रिवॉर्ड इज वेरली फॉर दोज हु प्रैक्टिस पेशेंस एंड परसेवरेंस। सो इस आयत में तीन टॉपिक आ गए, तो मैंने आयत इसी रुक के आपको बताई क्योंकि हम लोग थोड़े दिनों बाद सूरह ज़ुमर माइग्रेशन और अबिसिनिया पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये आयत याद करते हैं बाकायदा ताकि बच्चे को पता हो याद जो करा उसमें ऑर्डर माइग्रेशन और कौन सा स्पेशियस वाला। एनीवेज, when followers migrated from Makkah to Abyssinia, Prophet did not migrate. He was living in Makkah and he was being tortured by the people of Quraysh. So in these years, Allah revealed verses for Hazrat Muhammad, peace upon him, his consolation. These verses of Surah Qasr, chapter 108, verses 1-3, are absolutely infamous for Muhammad, peace upon him, his consolation. When Prophet's consolation could not work and people of Quraysh were about to kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ordered Prophet to migrate from Makkah to Medina. And the verses, जो order prophet ने अल्लाह को दिया था तो for migrate, उसका जिक्र सूरह अनफाल की verse number 30 में, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, remember how the unbelievers plotted against you to keep you in bound, to kill you or to take you out of your home. They plotted and planned, Allah two plans, but the best of the planners is Allah. अब ये हमारे 13 साल cover हो गए हैं, आयतें आ गई हैं जंपों के साथ, पर मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ मैंने ब्लू से लिखा है इस चीज की आपको जरूरत नहीं थी, मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया। बेटा एकदम होशियार होके बैठ जाओ, बिल्कुल होशियार होके, इस कदर कीमती मैं आपको ये 60 सेकंड के अंदर बात बता रहा हूं, जिस जिंदगी के मौके में तुम कुरान पढ़ने बैठोगे या पढ़ाने बैठोगे, समझने बैठोगे या समझाने बैठोगे, जब तुम दीन सीखने बैठोगे तुम नबी की सीरत पढ़ोगे, और ये बात एक बहुत बड़ा जो है वो सबक और बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगा। अमीर अब्दुल्ला कह रहे हैं जल्दी करें, बकरे बहुत भूखे हैं। सर मैं जल्दी 6 कैसे बजाऊं? अमीर अब्दुल्ला भाई 6 जल्दी कैसे बजाऊं? मैं क्या करूं घड़ी को, मैं किस तरह से मोटिवेट करूं कि घड़ी बाजी आप, मैं क्यों जल्दी करूं भाई? मेरी क्लास 6 बजे तक है, आपके बकरे का खाने का टाइम आप उसके खाने का टाइम चेंज करें, मैं क्यों चेंज करूं? अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, व्हेन वी वर ड्वेलिंग इन द सिटी ऑफ मक्का, व्हेन वी वर लिविंग इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थे। नंबर वन, इन द सिटी ऑफ मक्का मुस्लिम्स वर डिपेंडेंट। देखो अभी ये जरा फर्क समझना है वरना तुम मेरा P4 नहीं समझ पाओगे। अच्छा मैं जो बात कर रहा हूँ वो P4 का एक डिसाइडिंग मोमेंट है, P4 में डिवीजन आएगा वो यहीं से बात शुरू हो जाती है, P2 पे अभी हम बात कर रहे हैं और मदनी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। देखो, व्हेन मुस्लिम्स वर लिविंग इन द सिटी ऑफ मक्का, मुस्लिम्स वर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट, एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? दे वर डिपेंडेंट ऑन द पीपल ऑफ कुरैश। फिर मुसलमान जब मक्का में थे तो डिपेंडेंसी के अलावा मुसलमानों के ऊपर एक और मसला क्या था? वो था अपोजिशन एंड प्रोसिक्यूशन। सो एक तो मक्का की जिंदगी में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, दूसरी मक्का की जिंदगी में जो वहां पर प्रोसिक्यूशन था तो वी कुड नॉट गेट पीस, वी वर बीइंग टॉर्चर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। तीसरा, वी कुड नॉट एस्टैब्लिश आवर लीडरशिप, वी वर लिविंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कुरैश जो कि आइडल वर्शिपर्स से, जो कि पैगन से, और उसमें सबसे एग्जाम जो आदमी हमें बड़ा तंग करता था उसका नाम था अबू जहल। So, मुसलमानों के पास मक्का में इंडिपेंडेंस नहीं थी, मक्का में मुसलमानों के पास पीस नहीं था, और मक्का में मुसलमानों की अपनी लीडरशिप नहीं थी। सो मैं यहाँ लीडरशिप लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वी कुड नॉट एस्टैब्लिश आवर ओन लीडरशिप। नाउ व्हेन वी लेफ्ट द सिटी ऑफ मक्का फॉर द सिटी ऑफ मदीना, ऑन रीचिंग द सिटी ऑफ मदीना, मदीना में मेरा बच्चा, हमें सबसे पहले जो चीज मिली वो क्या थी? इंडिपेंडेंस। और वहां अंसार की वजह से मामला चिल हुआ कि हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी। इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ साथ बेटा, इन दीज ईयर्स व्हेन यू आर ड्वेलिंग इन द सिटी ऑफ मदीना, वी वर नॉट बीइंग टॉर्चर्ड। ऐसे नहीं कुछ चलते फिरते आ रहा, हजरत बिलाल को पकड़ के उमैया बिन खल्द ने वो जमीन पे लिटा के इतना मारा है कि हजरत बिलाल को बाद में आजाद कराना पड़ा वरना तो उनकी जान ले लेता। और कुछ ऐसे स्लेव्स भी हैं, प्रोसिक्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा, जिनकी जान ले ली गई, उनके मास्टर्स ने उनको मार दिया वहां पर, इंक्लूडिंग द फर्स्ट फीमेल मार्टर नेम हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला। सो व्हेन वी वर लिविंग इन मदीना,
जैसा भी था, कम ज्यादा खाना जो भी था, लेकिन वहां पर हम पे प्रोसिक्यूशन नहीं था, तो वी वर लिविंग इन पीस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन मदीना वी हैड आवर लीडरशिप अंडर द बैनर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप भी एस्टैब्लिश हो गई। तो सर खुर्रम, मक्का और मदीना के हालात बहुत डिफरेंट थे। मक्का में डिपेंडेंसी है, मदीना में इंडिपेंडेंस है। मक्का में टॉर्चर्स हैं, मदीना में पीस है। मक्का में लीडरशिप कुरैश की, मदीना में लीडरशिप हमारी, एंड वी वर अंडर द सुपरविजन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम्स नेम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का और मदीना के हालात में बहुत फर्क था, इसलिए मक्का और मदीना के टॉपिक्स में भी बहुत फर्क था। तो हम मक्का में थे, वहां के टॉपिक्स डिफरेंट थे, मदीना के टॉपिक्स डिफरेंट थे। अब मक्का की जिंदगी कैसी थी? आसान नहीं, मुश्किल। तो जब मक्का की जिंदगी मुश्किल थी, तो मक्का की जिंदगी में जब हमारे पास आयतें आ रही हैं, तो आयतों के टॉपिक्स क्या थे? बिलीव्स, पेशेंस, मोटिवेशन, माइग्रेशन। जब मक्का में थे, मक्का की जिंदगी मुश्किल थी, मक्का में परेशानियां ज्यादा थी, तो उस हालात की वजह से मक्का की आयतों के टॉपिक्स डिफरेंट हैं। और टॉपिक्स क्या है? बिलीव्स, पेशेंस, मोटिवेशन, माइग्रेशन। सबर सबर सबर, ईमान, हौसला, तसल्ली, और मुश्किल तो माइग्रेशन। तो मक्का के हालात मुश्किल, मदीना के हालात आसान। मक्का के टॉपिक कुछ और, मदीना के टॉपिक कुछ और। अब हम मक्का में टॉर्चर्स में थे, मदीना में हम पीस में थे। अब मुझे आप लोग से एक सवाल पूछना है, एंड आई वुड लाइक टू सी व्हाट काइंड ऑफ जीनियस यू गाइस एक्चुअली पजेस। जल्दी से टाइप करके जवाब देना है। ईद की नमाज छुपके पढ़ते हैं या खुले में? ईद की नमाज छुपके पढ़ते हैं या खुले में? खुले में। वेरी गुड, वेरी नाइस, जज़ाकअल्लाह, वेरी नाइस। क्योंकि ईद इज नॉट जस्ट अ प्रेयर, ईद इज अ कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर। मेरा अगला सवाल, जिम्मेदारी से जवाब देना है, किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से मक्का में तो प्रोसिक्यूशन हो रहा था और मदीना में मुसलमान का पीस था, तो मक्का में कोई भी इबादत करे तो वो पिटता था, मदीना में ऐसे चांसेस दो थे। आपके ख्याल से अल्लाह की प्यारी पास पाक मुकद्दस जात ने ईद की नमाज मक्का में फर्ज की होगी या मदीना? एक जवाब गलत आया, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जवाब, दो जवाब गलत आए बस। तो भाई मक्का में प्रोसिक्यूशन है ना, तो मक्का में मैं बिल्कुल सीरीज बताऊं, तो 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट में नमाज फर्ज हो गई थी। मक्का में नमाज फर्ज हुई है, लेकिन नमाज की जमात शुरू नहीं हुई, क्योंकि अगर मुसलमान जमात करते जुम्मे की या ईद की और पिटते और मारे जाते। तो ये देखो ना, हालात का फर्क है, तो हालात के फर्क की वजह से आयतों के टॉपिक का फर्क है। सो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उम्मीद है कि अब आप मेरा पूरी जो है बात को इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन। When Muslims were dwelling in the city of Makkah, Muslims were being tortured, Muslims were absolutely dependent, and they were dwelling under the leadership of Quraysh, who were mostly idol worshippers. Fortunately, by the divine orders, when Muslims migrated from Makkah to Medina, alhamdulillah, alhamdulillah, the first thing Muslims got was their independence. Muslims attained peace, and Muslims were living under the leadership of the best leader on earth named Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore, in the next 10 years, the verses revealed on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam were mainly on the subjects of rules and regulations and obligations. So, when we were in Makkah, what were the topics? Patience, beliefs, patience, motivation, migration. Because the conditions were like this. Now we are in Medina. Now the life is chill. The life is set. We will talk about finance. फिर मुसलमानों की एडमिन के बारे में बात होगी, स्टेट के लॉज आएंगे। अब मुसलमानों को उस तरह की बातें बताएंगे, वो स्टेट, जब स्टेट नहीं थी तो फिर सबर करवाया, जब स्टेट थी तो अब स्टेट के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशन और लॉज आ रहे हैं। सो व्हेन वी माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, इन मदीना मुस्लिम, व्हेन मुस्लिम्स गॉट पीस, इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप इन मदीना, मुस्लिम रिसीव, देयर प्रॉफिट रिसीव वर्सेस मोस्टली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑब्लिगेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑब्लिगेशन। लेट मी जस्ट टेक योर एग्जांपल। मक्का की जिंदगी मुश्किल थी, तो मक्का की आयतों के टॉपिक क्या थे? मक्का की आयतों के टॉपिक बताइए। नो, अपोजिशन प्रोसिक्यूशन नहीं था, पता था ना, नहीं याद हुआ होगा, मालूम था ना हरकतें यही होने वाली हैं। अभी रुक जाओ टाइपिंग करना, रुक जाओ, अभी याद कर लो। अभी स्क्रीन को हटा दिए ना, क्योंकि स्क्रीन ताड़े जा रहे हैं, याद कुछ नहीं कर रहे हैं। याद नहीं होगा तो मेरे से पढ़ने का क्या फायदा भाई? भाई जान, नहीं नहीं ये जवाब सही नहीं है, मेरे वाला जवाब आएगा। When we were living in Makkah, we were being tortured, we were dependent, we were having a lot of mushkilat. That's why Makkah ki ayaton ke topic hai. Abhi main yaad karaunga to sab likh ke bhejenge. Makkah ki ayaton ke topic hai beliefs, patience, motivation, migration. Makkah ki ayaton ke topic sab type karke bhejenge to main aage badhunga. Makkah ki ayaton ke topic hai beliefs, patience, motivation and migration.
बिलीव्स पेशेंस मोटिवेशन एंड मैनर, लिख लोगे तो याद रहेगा, वरना तो बस यही मसला चलता रहेगा, याद ही नहीं हो पाएगा। अब मदीना की लाइफ आसान है, मदीना में इंडिपेंडेंस है, मदीना में पीस है, मदीना में हमारी स्टेट और लीडरशिप है, तो मदीना की आयतों के टॉपिक बताइए। अभी मैंने स्क्रीन पे दोबारा बताया, मदीना की आयतों के टॉपिक क्या है? वेरी नाइस, वनीजा का जवाब सही आया। मदीना की आयतों के टॉपिक क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑब्लिगेशंस। कितने साल है मदीना के? 10 साल। मक्का के 13 साल, मदीना के 10 साल। परफेक्ट हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ। थोड़ा सा होशियार करके चेक भी करो, पता चले भाई साहब जो है वो अर्थों को लगा के बैठे हैं। सो इन मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, इन मक्का दे वर डिपेंडेंट, इन मदीना दे वर इंडिपेंडेंट। इन मक्का Muslims were not having leadership. In Medina, they had their own leadership and they stayed. That's why in the next 10 years, the verses which were revealed on Hazrat Muhammad, peace upon him, in the next 10 years, the verses received by Hazrat Muhammad, peace upon him, were mainly on the subjects of rules and regulations and obligations. Ab sunna, kuch bhi nahi likhna, bo screen pe likhte raho. Namaz Makkah mein aa gayi, lekin fasting, among the obligations, fasting became obligatory, 2 age ki baat hai. Zakat became obligatory, 2 age ki baat hai. Ab Muslimon apni state bana li, तो स्टेट बनाने के बाद कुरैश को ये बात बर्दाश्त नहीं, तो कुरैश ने हम पे हमला कर दिया। तो जब गजवाए बदर हुई, बदर के बाद वहद और ट्रेंच भी हुई, तो फिर जिहाद फर्ज हो गया। मुसलमान जब मक्का से मदीना आए तो ज्यूज बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका तो अपना किबला ही नहीं है, आप तो नमाज हमारे किबले यानी मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ते हैं। प्रॉफिट बहुत डीपली हर्ट हुए, अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत भेज के बोला ठीक है, अब मुसलमानों का किबला यूनिक और एक्सक्लूसिव होगा, वो होगा होली बिल्डिंग ऑफ काबा। किबला चेंज हो गया, किबला कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रेयर को। फिर जी मुसलमान जो है वो 6 से 8 साल के बाद मक्का कैप्चर करते हैं। देखो जब काबा हमारा नहीं था, जब मक्का कैप्चर नहीं हुआ था, उमरा और हज ऑप्शनल थे, लेकिन जैसे ही काबा आपका हुआ, आपकी पोजेशन वहां पर हुई, आपकी लीडरशिप एस्टैब्लिश हो गई, जब मक्का आजाद हुआ, मक्का मुसलमानों को हुआ, तो हज फर्ज हो गया, तो हज की फर्जियत भी जो है वो ऑब्लिगेशंस की लिस्ट में आएगी। अब रूल्स और रेगुलेशंस ने मक्का में शराब हलाल दी, मदीना में हराम हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत मैंने आपको नासिर मसूद में पढ़ाई है, मक्का में गैम्बलिंग हलाल दी, मदीना में हराम हो गई, ये भी सूरह माईदा की वर्स में आपने पढ़ाई है। ये आयत जो है इंटरेस्ट वाली, ये आयत हमने पक्की याद करनी होगी, ये मैं इस टॉपिक एंड में याद कराऊंगा। सूद मक्का में हलाल था, मदीना में हराम हो गया। अब मक्का में तो मुसलमानों के जीने मरने के लाले थे, मदीना में फिर अल्लाह ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भेजे कि कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी जायदाद के हिस्से बनते हैं, बेटे का हिस्सा इतना होगा, बेटी का इतना होगा, पापा का हिस्सा ये है, अम्मी का हिस्सा ये है, दादा दादी का हिस्सा ये है, और बहन भाई का हिस्सा ये है। तो मदीना में फिर रूल्स आ रहे हैं ना कि अब इंसान मुसलमान स्टेबल हो चुका है, तो अब मुसलमान जायदादें छोड़ के जा रहा है, कमा के जा रहा है, तो बटेगी कैसे, जरूरी आग लगा देंगे, गवर्नमेंट के हिस्से में चली जाएगी। फिर मक्का में विमेन राइट्स के बारे में चर्चा कम हुआ, मदीना में बहुत ज्यादा हुआ। अगर आप एक सूरह का नाम देखें, सूरतुल निसा चैप्टर नंबर 4 है, निसा कहते ही औरत को है, तो विमेन राइट्स के बारे में यहाँ पर जो है वो आते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहली बात तो ये, कोई भी बच्चा ये पूरी लिस्ट नहीं लिख पाएगा, तो एक बच्चा ही करेगा, वो बोलेगा When Prophet peace on migrated to Medina, Muslims got independence, peace and leadership. Therefore, in the next 10 years, the verses reveal on the subjects of rules and regulations and obligations. Rules and regulations and obligations. Among the obligations, Prophet received verses about fasting, zakat, jihad, etc. Sab likhna zaruri nahi hai. Among the rules and regulations, wine, gambling and interest were made prohibited along with the other laws. Bas. Agar aap puri list likhna chahte ho, aapki marzi hai. Lekin aap 2-3 likh ke etc laga denge, point justify ho jayega ki rules aapne kuch bata diye, obligations aapne kuch bata diye. Ab in sab ke bare mein ek baat maine aapko yaad karani hai, lekin wo yaad karane se pehle main aapko prove karunga, kyunki aap to student log ho, main teacher log hu, aur teacher sahab aapko jo hai cheeze prove karke batani padti, to main prove karke aapko cheez batata hu. Dekho, jitne bhi ye rules aur regulations aapki screen pe aa rahe hain, most of these nahi kahunga, all of these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. Quran ki pehli 5 surate kaun si hain? Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah, Surat al-Ali Imran, Surat al-Nisa aur Surat al-Maida. 5 chapters yani 5 surahs ki baat ho rahi hai. Main teacher hu to main ye cheez dikh raha hu, aapko uski likhne ki zarurat nahi hogi, par aapki tasalli ke liye main yahan par aapko ye baatein bata raha hu, jo ki main pure saal mein aapko ye wali ayatein yaad kara chuka hu. To main ye kehna chah raha hu mere bachchon कि ये जो आयतें, ये जो डिस्कशन हो रही है, ये जो सारी की सारी वर्सेस हैं, ये कहाँ पर मौजूद है, ये रेगुलेशंस, ये सारे के सारे रेगुलेशंस मौजूद हैं फर्स्ट 5 सूरज ऑफ कुरान में। अब मैं फास्टिंग को अगर उठा के देखता हूँ तो चैप्टर नंबर 2 वर्स 195 में फास्टिंग है, 2:195 में जकात है, 2:190 जिहाद है, 2:144 में चेंज ऑफ किबला का ऑर्डर है, 3:97 पिलग्रिमेज डे टू आवर ड्यूटी मैन टू अल्लाह बट ओनली फॉर दोज़ हू सपोर्ट द जर्नी, ये हज है। अब आ जाओ सूरह माईदा वर्स 190 पे वाइन है, और इसी की प्रोहिबिशन गैम्बलिंग की भी इसी आयत में है। 2:275 में सूद हराम हुआ, 2:180 जो मैं इजमा में आपको पढ़ाऊंगा,
ये आयत जो है वो लॉज ऑन इनहेरिटेंस में बेटे और बाप की जायदाद का हिस्सा है। और चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा पूरी औरतों के बारे में। अब देखो मैं यहां पर जब भी नंबर देखूं तो मैं सूरह नंबर 5 से आगे नहीं बढ़ा। तो इत्तफाकी तौर पे जो हमने लिस्ट यहां पर बनाई हुई है ये सारी की सारी कहां मौजूद है, जो फर्स्ट 5 सूरज में। Students are not supposed to mention all these numbers. That is going to bring a lot of complexity in your answer. What you are supposed to do, you need to present your knowledge and facts. And आप कहेंगे भैया मुझे खाली टॉपिक नहीं पता, मुझे ये भी पता है टॉपिक कहाँ पर मौजूद है। और उसके लिए आप एक लाइन बोलोगे, जब जिस चीज को याद हो जाएगी वो लाइन यहाँ पर मुझे लिख के भेज देगा। All these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. आप जब ये पूरा बता देंगे, एक बार भी टाइप मत करना, पहले मेरी बात सुनना। बच्चे ने मदनी स्टार्ट किया, when Muslims migrated to Medina, Muslims got independence and peace, and they also established their leadership under Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore, in the next 10 years, Prophet received verses on the subjects of rules, regulations, and obligations. Among the obligations, fasting, zakat, and jihad, etc., were made obligatory. Among the regulations, wine, interest, and gambling were made prohibited, etc. All these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. All these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. Verses nahi, kya likh lo, all these verses are mentioned nahi. All these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. All these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. Good, good. Keep on typing, Java. Sab log likhenge. Nice, nice. All these regulations are mentioned in first 5 surahs of Quran. मेरे और अपने ऊपर आपको एक छोटा सा एहसान करना होगा। I am gonna teach you guys one line in Urdu, और ये लाइन आपको इतनी पक्की, जितनी पक्की याद होगी ना, आपको सबसे मुश्किल पैराग्राफ और पक्कू समझ में आएगा। इस आंसर का सबसे मुश्किल पैराग्राफ है मैटर्स ऑफ रेवलेशन, वो पैराग्राफ इसके फौरन बाद का है। जिस बच्चे ने ये वाली बात याद रखी जो मैं अब आपको बता रहा हूं, वो बच्चे के लिए जो है वो अगला पैराग्राफ बहुत ही आसान है। जी बेटा, 7 सिद्दीक चैप्टर भी लिख सकते हैं, सूरह चैप्टर की बात है। अब सुनना, रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। अल्लाह पाक सूरह हशर में और सूरह बुरूज में कहते हैं, If I had sent down one verse of Quran on mountains, mountains would have been shattered into small pieces. पहाड़ इतना मजबूत होता है, जमीन को जकड़ के खड़ा है पहाड़। और अल्लाह पाक ने कुरान में बताया कि मैंने जब जमीन बनाई तो जमीन का बैलेंस रखने के लिए उसमें मैंने पहाड़, जैसे कि मैं कोई पेपर रखूं तो कहीं पेपर उड़ ना जाए तो मैं पेपर के ऊपर पेपर वेट रखूंगा, ऐसी अल्लाह कह रहा है मैंने जमीन बनाई और जमीन कहीं उसका बैलेंस इधर उधर ना हो तो मैंने उसका बैलेंस रख दिया, जैसे पेपर वेट रखते हैं, मैंने उसको रख दिया पहाड़। इतने मजबूत पहाड़ है, जमीन को संभाल के बैठे हैं। इतना मजबूत पहाड़ कोई भी पहाड़ हो वो एक आयत का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। और रेवलेशन एक बहुत गर्म चीज है, इसका सबूत यह है कि व्हेनेवर प्रॉफिट रिसीव रेवलेशंस ही परस्पायर्ड हेवीली, आपको शिद्दत से पसीने आते थे भले वो सख्त सर्दी का ही मौसम क्यों ना हो। So the point is, कि ये जो मैं आपको बात याद करा रहा हूं, ये बात मुझे आगे यूज करनी है। जब ये लाइन याद हो जाए टाइप करना तो मैं आगे जाऊंगा। रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। टाइप करेंगे तो आगे बात होगी। अरमिश तो टाइप कर चुकी है, सईद अरमिश जहरा रिजवी, रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप सब लोग को। रेवलेशन एक बहुत भारी और एक बहुत गर्म चीज है। अल्लाह स्टेटेड इन कुरान एट मल्टीपल ओकेशंस दैट इफ आई हैड सेंट डाउन वन वर्स ऑफ कुरान इट वुड हैव बीन शैटर्ड टू ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स वुड हैव बीन शैटर्ड टू स्मॉल पीसेस। तो अल्लाह पाक ने जब ये फरमाया तो सर खुर्रम आपसे सवाल ये है कि जब पहाड़ भी आयतों का वजन बर्दाश्त न कर सके तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन कैसे बर्दाश्त कर गए? बिकॉज बच्चा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एक्सक्लूसिव मेंबर ऑन दिस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ही वाज अ डिस्टिंक्टिव मेंबर। प्रॉफिट अल्लाह के रसूल थे, उनको मौजजात और वो ताकतें दी गई हैं जो कि आम आदमी मखलूक को नहीं दी गई हैं। लेकिन प्रॉफिट बियॉन्ड रेवलेशन रिसीव करने का बोझ बर्दाश्त कर सकते थे
क्योंकि आपको अल्लाह ने वो ताकत और सलाहियत दी है, लेकिन प्रॉफिट थे तो इंसान ही ना। अगर प्रॉफिट इंसान है, मुस्तकिल आप पर वो बोझ पड़ता रहेगा तो आपकी तबीयत अलील हो सकती है, he could have fallen sick, आपकी मोटिवेशन, आपका एंथुसियाज्म जा सकता है। वी द ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड ब्रेक्स। मैं आपको फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे पढ़ाता रहूं सातों दिन, तो आप कहेंगे भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ना तुमसे। बिकॉज बींग द इंडिविजुअल्स, बींग द ह्यूमन काइंड, वी नीड ब्रेक्स यार। स्कूल जाओगे, चार लेसन के बाद ब्रेक नहीं मिलेगा तो अजीब दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मैं पूरे हफ्ते पढ़ूं और वीकेंड पे ब्रेक ना लूं तो मुसीबत हो जाएगी। हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को ब्रेक चाहिए। तो वरना दो मसले होते हैं, एक उसकी तबीयत खराब होने का खतरा, दूसरा उसका उस चीज से इंटरेस्ट और उसकी एंथुसियाज्म और मोटिवेशन खत्म हो जाने का खतरा। तो अल्लाह पाक ने हुजूर को रेवलेशन रिसीव करने की ताकत दी, लेकिन क्योंकि पावर्ड इंसान थे इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लम को अल्लाह पाक ने रेवलेशन में क्या दी है, ब्रेक्स। मोस्ट पॉपुलर ब्रेक इन रेवलेशन में आपको बताऊं तो वो है केव हिरा का। बहुत सारे स्टूडेंट्स केव हिरा की स्टोरी में ये बात नहीं जानते हैं। व्हेन जिब्राइल इस्लाम अपीयर्ड इन केव हिरा, जिब्राइल इस्लाम ने प्रॉफिट को रेवलेशन दी, उसके बाद कई हफ्तों का ब्रेक है। कुछ लोगों का मानना है कुछ महीनों का ब्रेक है, कुछ लोगों का मानना है 3 साल का ब्रेक है। तो यहाँ पर जो है वो मंथ्स, वीक्स की या फिर जो है वो ईयर्स की बात करें, लेकिन देयर वाज अ ब्रेक, दैट वाज अ पॉपुलर ब्रेक। और ये हमारी माँ की स्कीम में जो हमारे पास सूरह अलग का सवाल आता है उसमें जरूर ये गुफ्तगू होती है। तो इस पूरी सूरत हाल में प्रॉफिट पीएम को रेवलेशन में ब्रेक क्यों दिया, क्योंकि रेवलेशन एक बहुत भारी और गर्म चीज है। मुस्तकिल रिसीव करते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफ गुजरती। अब प्रॉफिट को शुरू में ब्रेक लंबे लंबे दिए, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट की बॉडी उसकी रेवलेशन की को एंड्योर करने के लिए जो उसका स्टैमिना बॉडी का इंक्रीज होता रहा, तो फिर रेवलेशन की ब्रेक कम 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 खता। तो हजरत मोहम्मद सल्लम की रेवलेशन में आपको शुरू में ब्रेक दिए गए, और इसमें एक ब्रेक जो बहुत पॉपुलर है वो ब्रेक तो कौन सा है, केव हिरा की, यानी फर्स्ट रेवलेशन के फौरन बाद। पर एक ब्रेक जो कि मेरे लेक्चर्स में और सिलेबस में बहुत पॉपुलर है वो ब्रेक है, द ब्रेक विच वॉज गिवन टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोर द सूरा कॉल्ड सूरतुल दुहा। Then the procedure of revelation kept on going on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam until Prophet received the very last verse of Quran few months before his death, after performing the Hajj, yeah, during the performance of his Hajj in the plain of Arafat, standing nearby the famous mount called the Mount of Mercy. During the procedure of his Hajj and few hours later of his last sermon, Prophet ne aakhri ayat Arafat ke maidan mein Jabal-e Rehman nami pahad ke samne receive ki, wo thi Surah Maida. Chapter number 5, verse number 3, in which Allah subhanahu wa ta'ala said, this day I have perfected your religion for you, have completed my favors upon you, and have chosen Islam for you as your religion. Yahan jaake aapka 23 years ka procedure khatam hoga. Ye aap copy kar lenge to guftugu hum baad mein karenge, aur koi sawal hoga to ye copy karne ke darmiyan mein wo sawal pucha ja sakta hai. Jaldi copy karna mere bachcha, shabash. Aur ye numbers aapko nahi chahiye to maine inko hata diya. नहीं, मुश्किल थी उनके लिए, और अभी आप फर्स्ट रेवलेशन अलीजा मेरा से आप फर्स्ट रेवलेशन जब पढ़ोगे तो यू विल सी दैट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और प्रॉफिट बियॉन्ड जो है वो उनकी एक हदीस मौजूद है कि नेवर शैल आई रिसीव, नेवर आई रिसीव द रेवलेशन व्हेन आई डिड नॉट फील दैट माय सोल वाज टीयरिंग अपार्ट। तो हर वक्त तकलीफ होती थी, और पहली बारी के बारे में तो प्रॉफिट ने ये भी फरमाया था कि व्हेन जिब्राइल इस्लाम हग्ड मी एंड क्रश्ड मी इट वाज सो टाइट दैट आई फेल्ट दैट माय रिब्स वुड कोलैप्स एंड आई वुड डाई इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हुजूर इस्लाम पे बहुत तकलीफ हुई थी, आपने शायद पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन आई एम गोना टीच यू दैट टॉपिक, तो यू विल सी दैट। और उसमें प्रॉफिट की रिवायतें भी मौजूद हैं जिसमें प्रॉफिट ने खदीजा को एक्सप्लेन किया। सो इट वाज लाइक यू नो द एक्सपीरियंस इसमें ही फेल्ट दैट हिज सोल वाज टीयरिंग अपार्ट, ही फेल्ट दैट हिज रिब्स आर गोइंग टू कोलैप्स, ही फेल्ट दैट सम सुपरनैचुरल बीइंग्स आर गोइंग टू वर गोइंग टू किल हिम। तो वो फिर रेवलेशन में क्लियर होगा, क्योंकि आज मैं केव हिरा नहीं, आज मैं प्रोसीजर पढ़ा रहा हूँ। सईदा आर्मिश बोल देता हूँ। आर्मिश बेटा जो है वो रेवलेशन की बात का जो ब्रेक है, इट्स डिबेटेबल। अकॉर्डिंग टू फ्यू इट वाज अ ब्रेक ऑफ फ्यू वीक्स, जैसे कि सही बुखारी में एक रिवायत बोलती है। अकॉर्डिंग टू फ्यू इट वाज अ ब्रेक ऑफ फ्यू मंथ्स, जिसमें 6 months का जो है वो नंबर बहुत पॉपुलर है। According to very, very, very few, जो कि बहुत पॉपुलर जो मजबूत बात नहीं है, it was a break of 3 long years. तो उसके बाद सूरह मुदस्सिर की आयतें आई थी, लेकिन उसमें जो मेजोरिटी आप उसको बोलेंगे तो few weeks and few months जो है वो ज्यादा stronger opinion है। जी बेटा, पैराग्राफ नंबर 2 ही चल रहा है, दिस इज पैराग्राफ नंबर 2, P3 हम कल स्टार्ट करेंगे।
One year, how did Prophet die? He died because he was having intense fever. The Imam was dying on the lap of Hazrat Aisha. Prophet Muhammad said that, Aisha, I can still feel the painful effects of the poison I tasted at Khaybar. I feel death is approaching me. So Nabi Rasulullah ne Hazrat Aisha ko bataya ki unko takleef ho rahi hai us zeher ki wajah se jo unko Zainab nami aurat ne jo hai wo Khaybar mein diya tha gosht mein mila ke aur Prophet ne usko thoda sa chakh liya tha. तो यहाँ इंतकाल की आपके विसाल की वजह बुखार और शिद्दत का बुखार बताया जाता है, लेकिन उस बुखार की वजह प्रॉफिट ने खुद जो बताई थी हजरत आयशा को वो था जहर। फितरतुल वही वगैरह सब छोड़ दें, वही की तो फिर बहुत सारी एग्जाम है, अभी तो रहने दें उसको यार, इंटरमीडिएट वाले क्यों टॉपिक छेड़ रहे हैं आप। जी अभी कल भी क्लास, कल सैटरडे, कल क्लास है, परसों संडे, परसों भी क्लास है, किसी बात हो रही है जी। महाम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। महाम कह रही है कैन वी राइट एस ए डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ पी बी यू एच इन पेपर। सो मतलब लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट, अगर कोई बच्चा लिखता है हजरत मोहम्मद, हजरत एच ए जी आर ए टी मोहम्मद पी बी यू एच, ओके हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफेक्ट, हजरत मोहम्मद एस ए डब्ल्यू वेरी नाइस, हजरत मोहम्मद के ऊपर छोटा सा स्वाद बनाता है, ओके okay. एक बच्चा लिखता है एच मोहम्मद, ओके Prophet Muhammad, okay. Only Muhammad is also okay. अगर examiner point of view से बात करें, if you speak, if you are speaking about examiner's point of view, examiner never needs salutations. तो कोई salutations add करे या ना करे, तो रज़ी अल्लाह ताला के लिए आपने R A R Z अलैहि सलाम के लिए A S लिखा और आपने S A W P B U H लिखा, आप salutations लिखो या नहीं लिखो, हज़रत लिखो या नहीं लिखो, marks नहीं कटेंगे, लेकिन the point is being the believer. And obviously we venerate and we revere these personalities. So obviously whenever we are mentioning the names, we need to show them some respect over there. So then we salutations dekhte hain. So aap kisi kisam ka bhi salutation ka form use kar sakte hain, shorter, longer, PBH, SAW, RZ ya RA razi Allah ta'ala ke liye. Aur aap Hazrat likhna chaho to full bhi likh sakte ho, aur H Muhammad likhna chaho ya H Abu Bakr likhna chaho, H dot Abu Bakr, wo bhi acceptable hai. और खाली नाम भी एक्सेप्टेबल है, पर हम तो नहीं ऐसे बोलते, हम तो बोलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह, हम तो नहीं बोलते अली रजी अल्लाह तआला, हम बोलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला, तो हम तो हजरत बोलेंगे ना। तो हम फिर करते ये हैं, जब फाइनल में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो हम लिखते हैं एच अबू बकर या एच उमर एच उस्मान एच अली, तो एच लिख के हम आगे आर जेड लिख देते, तो बेसिकली हम तीन अल्फाबेट्स में अपना गुजारा हो जाता है, एच से हजरत हो जाता है और आर जेड लिखते हैं तो रजी अल्लाह तआला हो जाता है, लेकिन अगर कोई एच और आर जेड भी ना लिखे मार्क्स नहीं कटेंगे। प्रॉफिट को आखिरी आयत माउंट अराफात पे नहीं, अराफात पे नहीं आ रही आयत, आयत हुजूर पे आ रही है हाशिम पहली बार, और प्रॉफिट डिड नॉट रिसीव दिस वर्स बाय स्टैंडिंग ऑन जबले रहमा, ही रिसीव्ड दैट वर्स व्हेन ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू जबले रहमा और नियर जबले रहमा, तो उसके अकब में प्रॉफिट खड़े थे, पहाड़ पर आपको आयत रिसीव की। वो फितरतुल वही फाकिया जो आप बोल रहे हो ब्रेक इन रेवलेशन इज कॉल्ड फितरतुल वही, तो वो फितरत का मतलब ये है कि फितरत नेचर को बोलते हैं कि प्रॉफिट बियॉन्ड के नेचुरल फिनोमेना ह्यूमन काइंड होने की वजह से उनको ब्रेक में रेवलेशन में ब्रेक दिया गया जो फितरत के हिसाब से। बहरहाल आप मुझसे इंटरमीडिएट वाले सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ा था। नहीं हम सारी क्यों याद करोगे यार, क्यों जान ले रहे हो, दो आयतें याद करो खाली, सूरह अलक और सूरह माईदा, सारी आयत आ रही अभी याद करने की जरूरत नहीं। जी बेटा मैं नहीं हो डन, ये मैं लीव और फिर इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात होगी, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कल हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, सवाल के जवाब मैं दे रहा हूँ, जब सवालों के जवाब खत्म होंगे तो आई एम एंड द मीटिंग इज वेल। अभी आई विल बी मेकिंग अ डिसीजन, ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली आर द डेज ऑफ ईद, लेकिन इफ यू आर गोना मिस दी क्लासेस बिकॉज ऑफ ईद और हमें ईद में सैटरडे संडे का ब्रेक देना पड़ा, तो मैं वो क्लास का मेकअप करूंगा, क्योंकि मुझे एक क्लास में जो मिस होगी मैं उसका बैकअप या कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। सो इफ वी विल बी हैविंग अ ब्रेक ऑब्वियसली, तो फिर मैं उसको फिर वीक डेज में कवर अप करूंगा, तो आई विल बी अनाउंसिंग के वेकेशन कौन सी होगी, कब क्लास कब नहीं होगी, तो वो संडे में हम डिसाइड कर लें, वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस वीक। ब्रेक्स बहुत सारे हैं मोहम्मद बासिम, देयर आर मल्टीपल ब्रेक्स गिवन टू प्रॉफिट, लेकिन जो बहुत पॉपुलर हैं वो ब्रेक्स हैं, द ब्रेक व्हिच प्रॉफिट वाज गिवन राइट आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट रेवलेशन, and there's another break जिसके बारे में प्रॉफिट पीस बड़े अपसेट थे, वो सूरह दोहा की सूरह से पहले का ब्रेक है जी, वाज बिफोर सूरह दोहा।
फीवर तो नहीं कह सकते इसको आप, लेकिन प्रॉफिट बियॉन्ड फेल्ट द इमेंस हीट हसन, तो इमेंस हीट कहूंगा मैं उसको, लेकिन फीलिंग हीट एंड यू नो सफरिंग फ्रॉम फीवर दैट दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट ना, तो मुझे गर्मी लग रही है डजंट मीन दैट कि मैं बुखार में हूँ. सो प्रॉफिट फेल्ट इमेंस हीट दैट्स व्हाई ही वाज ही यूज्ड टू परस्पायर हैवीली, लेकिन फीवर का वर्ड तो नहीं आ सकता और फियर का वर्ड भी नहीं आ सकता. ही वॉज नॉट स्केयर्ड, ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, दीज टू थिंग्स आर इनकरेक्ट. व्हाट यू आर गोइंग टू से दैट ही फेल्ट इमेंस हीट दैट्स व्हाई ही परस्पायर्ड हैवीली. जी इसबा लाइक यू सेड प्रॉफिट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. प्रॉफिट पीस अपॉन इन बैटल ऑफ ट्रेंच में देयर वाज अ इवेंट के देयर वाज अ रॉक अपॉन द सहाबास वर डिगिंग एंड बिल्डिंग द ट्रेंच एंड द रॉक वाज नॉट बीइंग ब्रोकन एंड मल्टीपल सहाबास यूजिंग देयर टूल्स दे मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर रॉक एंड दे कुड नॉट इवन डू सो. मैंने सेंड टू नबी अल इस्लाम प्रॉफिट ब्रॉट द एक्स पिकिंग और कहीं पर आता है प्रॉफिट को खुदाल थी और हजरत मोहम्मद सल्लम हिट द रॉक वंस और एक हदीस में आता है हिट द रॉक थ्राइस एंड द रॉक वाज ब्रोकन टू स्मॉल पीसेस एंड देन प्रॉफिट से उससे पहले भी प्रॉफिट ने कहा कि तुम सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है. सो अगर आप स्ट्रेंथ की एज अ स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात करते हैं तो एंड्योरेंस में भी ही वाज यू नो द एक्सीलेंट पर्सन और अगर उसके स्ट्रेंथ की जो है वो एक्सपोजर की बात करते हैं तो ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या एट दैट टाइम ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑब्वियसली. लेकिन वो पावर यूज नहीं करते थे. कुरान में आया कि वी सेंट यू नॉट फॉर एज अ मर्सी फॉर मैनकाइंड. हुज़ूर इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन ने ताकत बहुत थी लेकिन इस्तेमाल नहीं बल्कि दरगुजर और रहम बहुत किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फायजा बेटा वो जो तफसीर और वो जो नासिक मंसूख के जो लेक्चर्स हैं वो तो मैंने क्लास में लिखवा दिए. वो मैं इसलिए पीडीएफ भेज रहा हूँ कि दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, दो स्टूडेंट्स हु मिस्ड क्लास, जिनका वो पावर जो है फेलियर हो गया या नेट डिसकनेक्शन हो गया, तो कुछ इनकम्प्लीट है तो यू कैन यू नो कवर अप द पॉइंट्स आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन पीडीएफ. लेकिन पीडीएफ वाले पॉइंट्स ऑलरेडी आपके वर्कबुक में इफ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड माय क्लासेस. कुछ मिस हुआ है तो वहां से कवर अप होगा लेकिन मैं एज अ सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड के तौर पर वहां रख रहा हूँ जिसका कोई पॉइंट रह गया. जैसे आज किसी क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई हो उसका पी थ्री मिस हो गया, पी टू का मिस हो गया होगा, तो मैं अभी शेयर करूंगा यहाँ से कंप्लीट कर लेना चाहूंगा. मोहम्मद अवेस आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि सेंटर्स कब खुलेंगे, लेकिन जब खुलेंगे भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसमें जो है वो एसओपी तो फॉलो होंगी पर हमारी क्लासेस क्राउडेड होती हैं यूजुअली कोचिंग में. तो कोचिंग में अगर आप 100 स्टूडेंट्स को बिठाएंगे तो उसके लिए तो आपको स्पेस 400 स्टूडेंट्स वाली चाहिए और इतनी दूर दूर स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी सारे आ नहीं पाएंगे. सीट्स ऐसी लिमिटेड होती हैं कोचिंग की, पता नहीं किस तरह से मैनेज होगा. तो आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ईयर और मेजोरिटी चांसेस यही है कि बड़ा तबका ऑनलाइन ही अपना जो है वो सेशन कंप्लीट कर रहा होगा. ओके दैट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्की अगर हम कैंपस में हों और एसओपीस फॉलो करने के बावजूद ही रिस्की होगा. ब्रेक इन रेवल्यूशन के बारे में लिखा है उमैर इमरान भाई, ब्रेक इन रेवल्यूशन के बारे में लिखा है सूरह दुहा. अलीशा तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस आप वहां पर वन ड्राइव में देख सकते हो, वरना कल बोलना मैं कल दिखा दूंगा. हुदा दैट वाज दैट माइट बी पॉसिबल लेकिन कुछ जो है वो अंबिया को पूरी पूरी किताब एक साथ दे दी गई है और यहाँ प्रॉफिट के ऊपर ग्रेजुअली कुरान नाजिल हुआ है तो ये इससे आप इसको रिलेट तो कर सकते हैं दूसरे अंबिया के साथ लेकिन आप कंक्लूसिवली ये बात नहीं कर सकते क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अल्लाह ने दी है उसी पे बात होगी. तो हुज़ूर इस्लाम के बारे में इसमें तफसील है और तकलीफ सबको होती थी या नहीं होती थी उसकी तफसील आपको ऐसे नहीं है. मिसालें आपको कुछ मिल जाएंगी लेकिन ऑब्वियसली जब रेवलेशन एक मुश्किल प्रोसीजर है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद पे नहीं सब पे ही मुश्किल होगा. मैंशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेवलेशन के प्रोसेस का एक रेगुलर फीचर है जैसे कि प्रॉफिट पे रेवलेशन के आने पे जो है उसके टॉपिक्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है तो सबसे ब्रेक भी इंपॉर्टेंट फीचर है. ये बात बेटा आज मैंने क्लास के स्टार्ट में जो आपको बताया था कि आपके पास ईमेल पे मेरे पास आपके पास एक चीज आई हुई है जिसपे ये लिखा हुआ है अल्लाह का भला करे वो एक फोल्डर है आप उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड रखेंगे एंटर करेंगे कोई कोड मांगेगा तो आप अपने इनबॉक्स में या स्पैम या जंक मेल में देखेंगे.
तो उस रिकॉर्डिंग के बाद वो जब आप उस फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे वन ड्राइव में, तो वहाँ पीडीएफ में और मेरे लेक्चर्स मैंने दोनों रखे हैं आप लोग के लिए, जो कि इस वीक मैं डिलीट नहीं कर रहा ताकि जो लोग बाद में ज्वाइन करें वो देख सकें। तो यूँ आप व्यू कर सकते हैं, बाद अपना ईमेल अपना इनबॉक्स देखें, जो जूम से आपने जिस आई डी को जिस पे आप रजिस्टर हुए हैं जिस आई डी के थ्रू जूम पर, उसी के इनबॉक्स में आपको जाके देखना होगा, क्योंकि हम यही वाले ईमेल एड्रेस आपके यूज कर रहे हैं। मूसा बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो नंबर मेरा नोट्स में और वर्कबुक में लिखा है 0300-288-7099, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। वॉइस नोट्स का जवाब मैं दे नहीं पाता क्योंकि यूजुअली कोई ना कोई सराउंडिंग होता है तो वॉइस नोट्स पे डिले हो जाते हैं और मिस हो जाते हैं, और फोन कॉल मैं आपकी रिसीव नहीं कर सकता, सो यू कैन टेक्स्ट ओनली। यासीन, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लीमेंट, कैसे करेंगे by implementing, do you mean that hum usko connect kaise karenge? So if you're asking about how are we going to mention those two quotations in our answer, so you can read the answer provided in notes already, jisme model answer diya hua hai ki this is how you are going to present Surah Alaq and this is how you are going to present Surah Maida. And if it is about practicing and implementation, to obviously Allah Pak ne Surah Alaq mein jo hame sikhaya, hum aage surahs mein discuss karenge, usme jo lessons hain we need to follow them because these are the obligatory teachings on us. तो आज तो मैंने आयत कोट किए, खाली तफसील तो उसकी हमने सूरह अलक में पढ़नी है। जी हसान जैदी, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, और मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं पढ़ के कमेंट कर दूंगा उस पर। ये बात बेटा मैंने अभी तफसील से आपके सवाल का जवाब दिया है, रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप अपने इनबॉक्स में जाइए, वहां एक ईमेल आई होगी खुर्रम हुसैन के ही नाम से, उसमें फोल्डर का लिंक दिया हुआ, उसको फॉलो करें, या आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर बात होगी। बाद में शुरू में बताया था, कल फिर मैं एक क्लास के स्टार्ट में दोबारा उसका जो है वो डेमोंस्ट्रेशन दे दूंगा आपको। मूसा आज हमने वर्कबुक के पेज नंबर, देखो बेटा आज हमने वर्कबुक का ये पेज किया है, ठीक है, अभी हम वर्कबुक पे ये सारा काम कर चुके हैं, पीछे वाले पेज फिल हो चुके हैं, हमने आपने अभी ज्वाइन किया है, टाइप्स ऑफ कुरानी कोर्सेज पढ़ लिया है, उसका लेक्चर और फिर डिटेल्स आपको उस फोल्डर पे मिलेंगी जो आपके इनबॉक्स में भी होगा। हमने कुरान तफसीर ऑफ कुरान पढ़ लिया है और क्वालिटीज ऑफ मुफसर, ये पेजेस हमारे भर चुके हैं। आज हमने काम स्टार्ट किया था मेरा बेटा पेज नंबर 6 से, तो टॉपिक की हेडिंग भी डली हुई है रेवलेशन, ये आपने काम किया है। सो व्हेन यू विल बी हैविंग योर वर्कबुक्स, व्हेन यू आर गोना यू नो बाय देम, सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम पेज नंबर 6, और बाकी जो वर्किंग है पीछे की उसकी पीडीएफ भी और उसकी जो है लेक्चर्स भी जो है वो फोल्डर पे होंगे जो मैंने आपसे भी तस्करा किया। तो आपने पेज नंबर 6 से स्टार्ट किया, यू नीड टू रिमेंबर दैट, पेज 6 ऑनवर्ड्स आप मेरे साथ काम कर रहे हो, जो कि कल पेज नंबर 8 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आप फिल कर लेना बेटा, पहले वर्कबुक बाय कर लो, फिर कुछ समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। दुआ बेटा कल दोबारा फिर बताता हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में, और लोग कंफ्यूज हैं कल फिर बता दूंगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोगों के सवालों के जवाब हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग कल बताएंगे। फहीम क्या कह रहे हो, प्लीज आंसर। जी अब्दुल हाद, आप सारे कंप्लीट करके भी भेज सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप अपना बेस्ट आंसर मुझे भेजो, कि मैं सारे को कॉमेंट नहीं कर पाऊंगा, आपके बेस्ट आंसर को मैं कमेंट करके अगर उसमें मिस्टेक बताऊं तो उस पर इंप्रूवमेंट के चांसेस होंगे। जी फहीम आप सही कह रहे हैं, द अनबिलीवर्स टॉन्टेड प्रॉफिट और टॉन्ट्स और प्रॉफिट पीस अपॉन इनकी ग्रेवियंस और सैडनेस के बाद सूरह दुहा नाजिल हुई, ये सूरह दुहा का शान नज़ूल कहलाता है बेसिकली जो आप बात कर रहे हो। जी नेहा एग्जैक्टली, ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग फर्स्ट प्रॉफिट बिगन टू प्रीच इज़ टू हिज क्लोजेस्ट, जिनमें आपके सबसे भरोसे वाले लोग हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत अबू बकर, ज़ैद बिन हारिस वगैरह थे। फिर उन्होंने, जैसे हजरत खदीजा ने जो है वो अपनी फ्रेंड्स को बताया, और उन्होंने फिर अपनी बहनों को बताया, अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, तो अभी इन सर्कल में चल रही थी बात। फिर प्रॉफिट ने अपने ट्राइब को प्रीच किया, और ट्राइब आपका रिलेटिव भी है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द क्लोजेस्ट, देन इट वेंट टू द यू नो दोस पीपल हु वर इन द यू नो हु वर क्लोजेस्ट टू दोस क्लोजर मेंबर्स, and then it went towards the tribe and the relatives. ऐसे ही बिल्कुल।
उमैर मैंने सूरह दुहा इसलिए लिखा था वहां पर क्योंकि सूरह दुहा से पहले हुजूर इस्लाम को एक ब्रेक मिला था, तो मैंने लिखा कि प्रॉफिट वाज गिवन ब्रेक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रेक्स व्हिच वाज गिवन टू प्रॉफिट इन द प्रोसीजर ऑफ रेवलेशन वाज अ ब्रेक व्हिच वाज गिवन टू हिम बिफोर द रेवलेशन ऑफ सूरह दुहा। दैट्स व्हाई आई रोट सूरह दुहा बोल के। चलें जी यहां पर खत्म करते हैं आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।